फ्रेंड्स आज आपका स्वागत है अजय मूवीज रिव्यू चैनल पे तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की फुल हिंदी में स्टोरी एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड स्टार कास्ट के बारे में तो फ्रेंड्स मैडम चीफ मिनिस्टर सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है इस फिल्म में चार चड्ढा मुख्य भूमिका में है और फिल्म की आधिकारिक घोषणा बारह फरवरी दो को चड्ढा द्वारा की गई थी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ में नवम्बर और दिसंबर दो के दौरान सीधे चालीस दिनों के शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी यह फिल्म बाईस 20 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष कपूर और इस फिल्म को लिखा है सुभाष कपूर ने फ्रेंड्स इस फिल्म को उत्पादित किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार और नारायण कुमार और डिम्पल खरवंदा ने और इस फिल्म को अभिनित करने वाले हैं रचा चड्ढा और मानव कौल और इस फिल्म का छायांकन किया है जयेश नायर ने और इस फिल्म को संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने और इस फिल्म में संगीत दिया है मैग्नीस धाकड़नी और उत्पादन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स ए कनाडा टाकीज प्रोडक्शन और इस फिल्म को वितरित किया है ए ए ने तो तो फ्रेंड्स इस फिल्म को रिलीज किया गया था 22 20 जनवरी 2021 को देश भारत भाषा हिंदी और अंग्रेजी अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 0.5 मिलियन तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को स्टार्ट करते हैं तो इस फिल्म में मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी बताती हैं जो एक निचली जाति की युवती हैं जो अपने समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती हैं और वो एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती हैं और रैंकों के माध्यम से अपना काम करती हैं अंततः एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती हैं और अपनी बुद्धिमता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से भेदभाव और ग्रह का सामना करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता के लिए एक बाधा के रूप में देखती हैं और चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती हैं और जब वो अवसर आता है तो वो इसे दोनों हाथों से लपक लेती हैं और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी होती हैं और जीत जाती हैं राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती हैं हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई इसकी चुनौती के बिना नहीं है और वो उसे अपनी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना करना पड़ता है व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उनके प्रेमी के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य है और फिल्म भारतीय राजनीति की जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है जिसमें जाति का व्यापक प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं जो अक्सर राजनीतिक जीवन की एक विशेषता है यह सत्ता के पदों पर महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करती है जिन्हें पुरुष प्रधान दुनिया को निगेटिव करना चाहिए और पूर्वग्रहों और भेदभाव को दूर करना चाहिए तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो मुख्यमंत्री तारा स्वरूप राम के रूप में चिचा चट, चड्ढा दानिश की पत्नी और इंद्रमणि की पूर्व प्रेमिका हैं दानिश रहमान खान के रूप में मानो कौल और तारा के पति और शशि के मंगेतर हैं इंद्रमणि इंद्र त्रिपाठी के रूप में अच्छे ओबराय और तारा का पूर्व प्रेमी और दुश्मन जिसने उसे तब तक छोड़ दिया और उसका इस्तेमाल किया जब दो बार अपने बच्चे द्वारा गर्भवती हुई थी और सुरेश शुक्ला मिनिस्टर सुभाष रंजन हैं और सुभ्रा ज्योति वरात अरविंद सिंह के रूप में हैं और बबलू के रूप में निखिल विजय हैं और सुंदर के रूप में बोलोराम दास हैं और संगम हैं और रविजा चौहान दानिश के मंगेतर शशि राय के रूप में सुशील शुक्ला अंसारी के रूप में हैं और विवेक यादव हैं हत्यारी के रूप में राजवर्धन पांडे हैं तो इस फिल्म में संगीत दिया है मंगेश धाकड़ द्वारा रचित जबकि गीत दुष्यंत द्वारा लिखे गए हैं और इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जो इस प्रकार है चिड़ी चिड़ी इसको गाया है सावंत किरकिरे ने तो फिल्म को रौनक कोटेजा ने पाँच में से तीन स्टार दिए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन किया है मैडम चीफ मिनिस्टर को एक मनोरंजक राजनीतिक ड्रामा होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध पीड़ित गलियारों से स्थापित है और दलित महिला को नहीं चुनने के लिए इस फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई थी और अभिनेता ने अफसोसजनक और पूरी तरह से अनजाने निरीक्षण का जवाब दिया था धारा तीन के रूप में जाना जाता है अजय बहल द्वारा निर्देशित दो की भारतीय हिंदी भाषा की कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसे मनीष गुप्ता द्वारा लिखा गया और कुमार मंगंत पाठक द्वारा निर्मित है और अभिषेक पाठक और यह भारत में भारतीय दंड संहिता कानूनों की धारा तीन पर आधारित है इस फिल्म में अक्षय खन्ना रचा चड्ढा मीरा चोपड़ा ने अभिनय किया है और राहुल भट्ट फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी 2019 में शुरू हुई थी तो यह फिल्म 13 सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और फिल्म में पहले दिन कम से ओपनिंग की और बॉक्स ऑफिस पर औसत घोषित की गई थी उल्लेखनीय है यह फिल्म की निर्देशक रोहन खुराना और राहुल भट्ट को सहायक पोशाक डिजाइन अंजलि डांगले यानी कि मीरा चोपड़ा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया है उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रतिभाशाली आपराधिक वरिष्ठ तरुणा सलूजा यानी कि अच्छे खन्ना और अभियुक्त के दावे में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जबकि हीरल गांधीयन की रिचा चड्ढा एक यूटोपियन और उत्साही वकील अपना पहला बड़ा केस लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की ट्रेन थी और दावा किए गए कि पीड़ित के अभियोजक और बचाव पक्ष के बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं और तरुण और अपने सिद्धांत से चलते हैं कानून एक तथ्य है न्याय अमूर्त और उनका मानना है कि वो एक वकील को किसी मामले में भावात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए या नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए फ्लेशबैक में एक संगोष्ठी में हिरल ने भी भाग लिया और वो अनुमान लगाता है कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है ये देखते हुए कि न्याय की खोज और कुछ नहीं बल्कि बचाव, पक्ष के वकील अभियोजन पक्ष और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर का अवसर है वो अपनी पंक्ति में हम कानून के व्यवसाय में हैं और न्याय के नहीं साथ इसका सारांश देते हुए ये पूरी तरह से हिरल के रवैये के विपरीत है क्योंकि वो न्याय देने के अपने प्रयास में लगन में शामिल हो जाती हैं इसी वजह से उन्हें पिछले दिनों तरुण किला फर्म छोड़नी पड़ती है. तरुण ने अपने जिले में से छूट, या मुखी गवाहों के द्वारा छिपाए गए तथ्यों का पर्दाफाश किया है और वो इस सिद्धांत का प्रस्ताव करता है कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति से संबंध था जो उसकी नौकरी को बनाए रखने के लिए दबाव से शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वो भावात्मक रूप से रिश्ते में शामिल हो गई है बाद में जब उसे पता चला कि रोहन केवल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि वो उससे अपनी जीवन साथी होने की उम्मीद कर रही थी जो इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक बड़ी बहस होती है रोहन उसका अपमान करता है और उसे बताता है कि उसके बिना उसका करियर खत्म हो गया है बाद में रोहन ने उसे अपने दूसरे फ्लैट से बाहर निकाल दिया जहाँ उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और कुछ दिनों के बाद अंजलि रोहन से माफ़ी मांगती है और वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं बाद में दिन में वो इस घटना को पुलिस को बलात्कार के रूप में रिपोर्ट करती है और इस बात पर जोर देते हुए कि यह अफेयर के खराब होने का मामला है तरुण बताते हैं कि कानूनी सहमति से शारीरिक संबंधों को बलात्कार नहीं माना जाता हीरल का तर्क है कि भले ही किसी जोड़े के अतीत में सहमति से संबंध रहे हों लेकिन बाद में लड़की की सहमति के बिना कोई भी यौन संबंध बलात्कार नहीं है मामला दंड संहिता तीन सौ पचहत्तर के कानूनी प्रावधानों पर विवाद करता है जो उन रिश्तों के माध्यम से परिभाषित करता है जिनके तहत यौन अपराध को बलात्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है न्यायाधीशों की एक कठिन स्थान पर रखा गया है क्योंकि एक ओर यह स्पष्ट है कि अंजलि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह मामला दायर किया था और दूसरी ओर एक मजबूत सार्वजनिक धारणा की कि अमीर और प्रभावशाली लोग वंचितों का शोषण कर रहे हैं दोनों न्यायाधीश अपने कक्ष में मामले पर विचार विमर्श करते हैं और परिस्थितिजनक साची स्पष्ट रूप से नकली बलात्कार के आरोपों को की ओर इशारा करते हुए तरुण के पक्ष में एक निर्णय उनकी साख पर बुरी तरह से प्रतिबंधित होगा न्यायाधीशों में से एक बालकनी से झांकता है और अभियुक्तों के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं विरोध को देखते हैं और यह है स्पष्ट है कि उनका निर्णय क्या होगा बीच में फैसला सुनाते समय तरुण द्वारा प्रस्तुत मामले की योग्यता को स्वीकार करती है लेकिन जनता की भावना बेच को किताब के अनुसार शक्ति से जानने और लोकप्रिय राय के अनुरूप निर्णय देने के लिए मजबूर करती है न्यायाधीश सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं जिसमें कहा गया है कि चूंकि इस विशेष घटना के लिए सहमति या वल का कोई सबूत नहीं है इसीलिए पीड़िता के बयान को सर्वपरि साक्ष्य माना जाता है रोहन की पत्नी कैनाज और चली जाती है तरन रोहन से वादा करता है कि वो तुरंत हाई कोर्ट का दावा करके उसका दरवाजा खटखटाएगा और रोहन को जेल से लाएगा और अंजलि रियल से गुप्त रूप से कबूल करती है कि तरुण से अदालत में जो कहा था वो सच था और उसने रूह से बदला लेने के लिए ऐसा किया है हिरल इससे चौंक जाता है और बाद में तरुण के परिवार द्वारा उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तरुण ने एक बार फिर उसे याद दिलाया कि हम फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था इससे 5 सितंबर को खन्ना को प्रस्तुत करने वाला एक डायलॉग प्रेमो जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियम 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ इंटरनेशनल इन, फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म थी और इसे सराहनाएं भी मिली हैं ये फिल्म 11 सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रटनटेमेटोस पर फिल्म 11 समीक्षाओं के आधार पर 64% की रेटिंग रखती है जिसकी औसत रेटिंग दस में से सात है द टाइम ऑफ इंडिया के श्रीपर्णा सीन गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं और अक्षय खन्ना रचा चड्डा और राहुल भट्ट और किशोर कदम की पठक कथा संवाद और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए फिल्म एक कुरकुरा रन टाइम के साथ मनोरंजक घड़ी के लिए बनाई गई थी और शीर्ष पायदान प्रदर्शन समापन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सेक्शन तीन और दुस्साहसिक प्रयास है यह एक प्रासंगिक फिल्म है जो एक जटिल मुद्दे से निपटती है और जो बहिष्क को जोड़ेगी, सूचित करेगी और खुलेगी व्यापार विश्लेषक और आलोचक आदर्श ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिए हैं इसे शक्तिशाली के रूप में टैग किया है और अक्षय खन्ना के प्रदर्शन की प्रशंसा की है जिसमें रचा चड्ढा लेखन और निर्देशन उन्होंने कहा है कि एक प्रासंगिक फिल्म जो प्रासंगिक बिंदुओं को उठाती है अनुशासित फर्स्ट पोस्ट की उदिता झुंझुनवाला ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा है कि यह सिनेमोटोग्राफी और संपादन था जिसने फिल्म को वांछनीय गति और मनोदशा में आगे बढ़ाया है मनीष गुप्ता के लेखन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि फिल्म ने तो एक तीखा नैतिक रुख अपनाया है और ना ही बॉलीवुड स्टार कोड रूम हिस्टीरिया का सहारा लिया है बल्कि यह एक अत्यधिक अवशोषित कथा पर टिक रही है जिसमें चतुराई से मामले के दोनों पक्षों की जांच की और नियम को टाल दिया गया कानून की देवेश शर्मा फिल्म फेयर रेट्स के लिए एक समीक्षा कर रहे हैं और फिल्म को पांच में से तीन सितारे दिए हैं और उन्होंने लिखा है कि यह फिल्म सार गर्भित और मजाकिया संवादों के साथ एक अच्छी तरह से तैयार की गई है अच्छी तरह से अभिनय करने वाली फिल्म थी उन्होंने अच्छे खन्ना और चड्ढा के प्रदर्शन की प्रशंसा की है लेकिन चरमोत्सव की आलोचना करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि यह आपराधिक मोड बिल्कुल अंत में फिल्म द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को खत्म कर देगी और आपको मुंह में कड़वा स्वाद देती है निर्देशक बहुत चालाक होने की कोशिश कर रहे हैं यह लेकिन यह एक चतुराई फिल्म के बड़प्पन को खा जाती है गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने पाँच में से साढ़े तीन सितारे दिए और मुख्य कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि अच्छे खन्ना और दोनों युद्धरत कानूनी सलाहकारों के रूप में शीर्ष के रूप में उन्होंने फिल्म के संपादन की भी प्रशंसा की है और दूसरे भाग को निराशजनक रूप से सुविधाजनक बनाया गया है निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने हालांकि आप इस बात से रोमांचित नहीं हो सकते कि फिल्म कहा जा रही है और सही बात यह है कि धारा तीन को निष्पक्ष सुनाई दी जाए और न्यूज अट्ठारह के लिए लेखन राजू मसंद ने फिल्म को स्पष्ट रूप से समूहक कोर्ट रूम ड्रामा करार दिया है और इसे पांच में से साढ़े तीन स्टार दिए हैं उन्होंने कहा है कि निर्देशक अजय बहल और लेखक मनीष गुप्ता ने एक तीक्षण विचारोत्तक नाटक बनाया है जिसमें सामयिक और मौजूदा स्थिति के प्रति सचेत हैं समापन करते हुए उन्होंने कहा है कि यह एक प्रेरक तर्क के, के साथ एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जो परेशान करने वाली है मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म में रिचा चड्ढा जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है तो वो एक भारतीय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करती हैं और कॉमेडी फिल्म ओ ए लकी में एक छोटी सी भूमिका में शुरुआत करने के बाद लकी ओ 2008 ऋचा चड्ढा को सफलता 2012 में नोयर गंगेस्टर गाथा गेम्स ऑफ वैसुपुर में एक सहायक भूमिका के साथ मिली थी जहां एक गंगेस्टर को भी बेलगाम और अभ्यस्त पत्नी के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था तो फ्रेंड्स इनका जन्म 18 सितंबर 1986 को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है ऋचा चड्ढा के नाम से भी जानते हैं और इनकी शिक्षा सरदार पटेल विद्यालय से हुई थी अल्मा मेटर सेंट स्टीफंस कॉलेज है और इनका व्यवसाय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2008 से वर्तमान तक इनके जीवन साथी हैं अली फजल और 2015 में चड्ढा ने नाटक मसान 2015 के साथ एक प्रमुख भूमिका में अपनी शुरुआत की थी तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो चड्ढा जी का जन्म अठारह दिसंबर उन्नीस को अमृतसर पंजाब में हुआ था उन्होंने 2008 में उन्होंने ग्लैडमस लिया था और मई 2016 में चड्ढा ने एन को दिए गए साक्षात्कार में खुलासा किया था कि वो कई वर्षों से बुल्गारिया में एक खाने का विकार से पीड़ित थी और ग्लैमर मेगा मॉडल की प्रतियोगिता में भाग लिया था नैदानिक मनोचिकित्सक से पेशेवर में मदद लेने के बाद ठीक हो गई थी और पितृसत्ता स्त्री द्वेष और पुरुष दृष्टि की व्यापकता को उसे खाने के विकार के लिए जिम्मेदार ठहराना मनोरंजक के क्षेत्र में जिन्होंने अन्य महिलाओं को अपने स्वयं के खाने और मानसिक विकारों के साथ सार्वजनिक रूप से जानने का आह्वान किया था और सोचने के तरीकों के विनाश का आह्वान किया था जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है वो अली फजल के साथ रिश्ते में रहीं और वो वर्तमान में मुंबई में रहती हैं ऋचा चड्ढा बी आर अम्बेडकर को अपना आइकन मानती हैं और 23 सितंबर 2022 को उसने और फजल ने अपनी आसन शादी की घोषणा की और कहा कि समारोह पर्यावरण के अनुकूल होगा और 4 अक्टूबर 2022 को उन्होंने लखनऊ में एक समारोह में फजल से शादी की है उन्होंने 2014 में अपने पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स के विज्ञापन अभिनय के लिए एक जलपरी के रूप में पोज दिया था जिसमें लोगों को मछली खाने से बचने और शाकाहारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था उसी वर्ष उन्होंने क्लाइमेक्स फैशन वीक के रैप पर वाक किया और ट्रिवियल डिजायर्स नामक एक नाटक में अभिनय किया था तो राजनीतिक सक्रियवादता में भी भाग लिया है जनवरी 2020 में अभिनेत्री ने मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले तापसी पन्नू जैसे फिल्म बिरादरी के अन्य अभिनेताओं में शामिल होने वाले जे हमले में पीड़ित छात्रों के साथ एकजुटता की व्यक्त की और इसमें पहले उन्होंने 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया था जब उन्होंने दो परिसरों में छात्र भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे थे तो ऋचा चड्डा ने महामारी के बीच समाज से सामान्य अच्छी कहानियों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ जून 2021 में सोशल मीडिया द किडर बनाया और अभिनेता और उनके दोस्त और उद्यमी कृष्णा जगोता ने एक समर्पित इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया था जहां वे लोगों और उनके सद्भावना के कार्यों का उजागर करेंगी और सार्वजनिक विचार ऋचा चड्ढा जी के सार्वजनिक विचार कैसे थे ऋचा चड्ढा का तर्क ही भारत में धर्म पाखंड में बदल गया और चाहे वो महिलाओं के साथ व्यवहार में हो या त्यौहार के उत्सव में ऋचा चड्ढा ने जोर देकर कहा कि वो धार्मिक नहीं हैं लेकिन उनका आत्मधिकता से गहरा संबंध है और जितना अधिक वो इसका अध्ययन करती हैं उतना ही वो महिलाओं के साथ समाज के लिए व्यवहार से चकित होती हैं ऋचा चड्ढा ने मई 2018 में हिंदुत्व समर्थकों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपील के साथ एक जनहित नोटिस दायर किया था और धर्म के लिए खतरा है हिंदुत्व के समर्थकों से छुटकारा पाए और धर्म बच जाएगा जनहित में इसके बाद ऋचा चड्ढा को दक्षिणाती हिंदू टोल्स से बलात्कार और हत्या की धमकी मिली थी अली फजल के साथ अपने सा अंत धार्मिक संबंध के बारे में रिचा चड्ढा का कहना है कि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके माता पिता प्यार को समझते हैं और उनका मानना है कि एक बार जब आप प्यार की खोज कर लेते हैं तो आपको किसी और चीज़ की चिंता के बिना इसे बनाए रखना चाहिए और उन्होंने अपना प्यार अली में पाया है चड्ढा ने कहा कि उनके पिता एक पंजाबी हैं और उनकी माँ एक बिहारी हैं वह एक महान रिश्ते को साझा करते हुए जो इस प्रकार की कट्टरता को अप्रभावित तो हैं और यह कहते हुए कि वो उद्धत किया गया है देखो यह भारत है हम सब बहुमिश्रित हैं मेरी माँ बिहारी है जबकि मेरे पापा हैं। और यहाँ मैं आपके सामने बैठी हूँ और नवंबर 2020 में चड्ढा ने माफी मांगी और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के जवाब में किए गए एक विवाद स्पष्ट ट्वीट को हटा दिया गया और अगर भारत सरकार आदेश जारी करती तो भारतीय सेना पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा गेम ऑफ वासुपुर भाग एक में अभिनय किया था उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि नगमा खातून के इस रूप से भूमिका ने उन्हें ग्यारह फिल्म में भूमिकाएं प्राप्त करने में मदद की और फिल्म की प्रीमियम पैंसठ कान फिल्म समारोह में हुआ था उन्होंने गैंगस ऑफ वासेपुर भाग टू की अगली कड़ी में नगमा खातून के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और फिल्म का प्रीमियम कांस डायरेक्शन पखवाड़े में कांस फिल्म के फेस्टिवल में इसके फिक्वेल के साथ चड्ढा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था चड्ढा की दो की पहली रिलीज मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म फुकरे में आई जिसमें उन्होंने एक कठिन बात करने वाली महिला डान भोली पंजाबन की भूमिका निभाई थी इसके बाद वो अनुराग कश्यप द्वारा निभाई गई एंथोलॉजी फिल्म शार्ट के एक सेगमेंट में एप्लीग में दिखाई दी थी मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी में मानो कॉल ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है वो एक जाने माने भारतीय थिएटर निर्देशक नाटककार लेखक अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं फिल्म तुम्हारी सुलू जो 2017 में आई थी उनकी इस फिल्म में कमाल की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म, फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था इनका जन्म 19 दिसंबर 1976 को बारामूला कश्मीर में हुआ था अभी ये मात्र 46 साल के हैं इनका राशि सिंह धनु हैं इनके परिवार में माता पिता और एक भाई मानस गोयल है इसके कोई वह नहीं है इनके ना अभी तक कोई अफेयर की जानकारी है अभी तक इन्होंने विवाह नहीं किया है इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल कश्मीर से हुई है और आगे की शिक्षा कहाँ तक की और कहाँ से की इसकी कोई जानकारी नहीं है इन्हें पढ़ने की यात्रा का शौक करने में इनकी कचौड़ी बेहद पसंद है और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़े और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इनके पसंदीदा कलाकार लद्दाख और थाईलैंड जैसे खूबसूरत जगह घूमना इन्हें बेहद पसंद है इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी हाइट पाँच फीट चार इंच है और एक सौ तिहत्तर सेंटीमीटर यानी कि वन पॉइंट तिहत्तर मीटर है वेट पचहत्तर की ग्रह और एक सौ पैंसठ पाउंड है बॉडी मेजरमेंट्स और की बात करें तो इनका चेस्ट चालीस इंच कमर बत्तीस इंच और बाई सस्पेंस तिहत्तर इंच है देखने में दुबले पतले हैं पर काफ़ी फिट हैं इसके बालों का रंग काला और आँखों का रंग भूरा है जो इनके लुक को और ज़्यादा अट्रेक्टिव बनाता है तो आइए जानते हैं इनकी फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म डेब्यू जजंता राम ममता राम से की थी ये फिल्म 2003 में आई और इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी मानव कौल की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 2003 से 2021 में कई फिल्मों की जिनमें से कुछ फिल्में डायबुक 2021 साइना 2021 मैडम चीफ मिनिस्टर 2021 12 ओ क्लॉक 2021 थप्पड़ 2020 बदला 2019 तुम्हारी सूलू 2017 ए स्कैंडल 2016 और जय गंगा जल दो आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं मानव अपने परिवार के साथ कश्मीर में रहते थे लेकिन नब्बे के दशक में हुए दंगों के दौरान ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शिफ्ट हो गए थे शिफ्ट होने के बाद इनकी ख़राब वित्तीय स्थिति के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इनके माता पिता ने चाय की दुकान या पान की दुकान खोलने के लिए कहा था ये अपने मुश्किल समय में अब अपने बचपन के दोस्त के साथ द्वारा फेंके गए पैसे की तलाश में नर्मदा नदी में डुबकी लगाते थे वहाँ एक कोच ने इन्हें देखा और इनकी तैराकी से प्रसन्न आ गए और इन्होंने इनके मार्गदर्शन से इन्हें भोपाल में दो साल के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए चुना गया था जहाँ उन्होंने थिएटर नाटकों में रुचि विकसित की और इसके बाद वे मुंबई चले गए थे और मंच निर्देशन नाटक लेखन और अभिनय किया था उन्होंने 2006 में अपने नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट पुरस्कार के लिए मेटा पुरस्कार जीता था और इन्होंने 2012 में अपनी पहली फिल्म हंसा का निर्देशन किया था जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑडियंस छोट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला था 2013 में इन्हें फिल्म काई चे में सफल भूमिका मिली जहां उन्होंने एक राजनेता की भूमिका निभाई और काफ़ी फेमस हुए थे इनकी कमाई की बात करें तो ये लगभग एक से पाँच मिलियन और नेट वर्थ तीस मिलियन है जो भारतीय मुद्रा में लगभग इक्कीस करोड़ रुपये है मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर जी ने तो सुभाष कपूर एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पठक कथा लेखक हैं वो एक राजनीतिक पत्रकार और बाद में चरण गए ओबामा 2010 और जाली एल एल वी दो हजार तेरह और जाली एल एल बेटू दो हज़ार सत्रह जैसे व्यंग्य हास्य नाटकों को निर्देशित करने के लिए जाने जाते हैं तो हिंदी साहित्य में अपनी एम ए की डिग्री पूरी करने के बाद कपूर ने 1990 के दशक में उत्तर भारत में कावर करते हुए दिल्ली में एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था इसके बाद जब उसकी लघु फिल्म ने उन्हें 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यवसायिक लघु फिल्मी वृत्तवर्ती और विज्ञापन फिल्में उन्होंने 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यावसायिक लघु फिल्में वृत्त और विज्ञापन फिल्में बनाना शुरू कर दिया था और 2006 में मुंबई में आधार स्थानांतरित कर लिया था और 2007 में कपूर ने से सलाम इंडिया के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और 2010 में उन्होंने अपने दूसरे उद्यम एक बैंग फंस गए रे ओबामा का निर्देशन किया था जिसमें कई कॉमेडियन शामिल थे फिल्म भारत में एक अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ व्यावसायिक सफलता की भी प्राप्ति की थी फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के कारण कपूर ने अपना अगला प्रोजेक्ट लिखना शुरू किया था और 2013 में कपूर ने जाली एलएलबी रिलीज की और जिसमें अरशद वारसी अमृता राव और बोमन ईरानी थे यह एक कार्मिक टच के साथ एक कोर्ट रूम ड्रामा है फिल्म 15 मार्च 2013 में रिलीज हुई थी वो जाली एलएलबी के सीक्वल जाली एलएलबी 2 के लेखक निर्देशक भी हैं जिसमें अक्षय कुमार हुमा कुरैसी अन्नू कपूर सौरभ शुक्ला ने प्रमुख भूमिकाएँ निभाई हैं और दो फरवरी और 2017 को जबरदस्त आलोचनात्मक प्रशंसाएं और बॉक्स ऑफिस नंबरों के साथ रिलीज हुई थी यह दुनिया भर में कुल बॉक्स ऑफिस की कमाई 200 करोड़ रुपए से अधिक थी तमाम विवादों के बीच निर्देशक सुभाष कपूर की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर कोरोना काल में आज थिएटर में रिलीज हुई माना जा रहा है कि फिल्म रीचा चड्ढा का रोल बसपा नेता मायावती से मिलता जुलता रहा है हालांकि फिल्म की शुरुआत में ही एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दिया गया था यह फिल्म की कहानी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे सुभाष कपूर दलित महिला लीडर के निजी और राजनीतिक जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं और ऐश्वर्य के दर्शन में कामयाब रहे हैं उनके सीधे साधे हुए निर्देशन में ऋचा चड्ढा का लाजवाब अभिनय ने सोने पर सुहागा वाला काम करती हैं कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नीस के उस दौर से जहां दलित दूल्हे की बारात में ठाकुरों का परिवार महज इसीलिए गोलाबारी कर देता था कि क्योंकि दलित ने ठाकुरों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़ने का ऐसा दुस्साहस किया था जिसका सर्वाधिकार ठाकुर अपने लिए मानते हैं गोलाबारी में बीच बचाव करते हुए रूप मारा गया था और उसी वक्त उसके घर एक बेटी पैदा होती है बेटी की माँ अपनी सास से मिनतें करती है कि वो उसकी इस बच्ची को पिछली बेटियों की तरह जहर चटाकर न मारे फिल्म का दूसरा सीन 2005 का है जहाँ वो बच्ची तारा यानी कि रिचा चड्डा बेबाक को निडर और पढ़ी लिखी टाम बायस लड़की के रूप में जवान हो चुकी है तो ऊंची जात के युवा नेता इंदू त्रिपाठी यानी कि अच्छे ओबराय से प्रेम करती है वो इंदू से शादी करने के सपने देखती है मगर तभी उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जाना माना दलित नेता मास्टर जी सौरभ शुक्ला उसे तूफान से बचाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर लेता है इसके बाद सीएम बनने तक का सफर शुरू होता है इस सफर में जातिवाद विश्वासघात षडयंत्रों से भरा राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आता है निर्देशक सुभाष कपूर निर्देशन कसा हुआ है, वे चरित्रों को कहानी और विषय के अनुरूप गढ़ने में सफल रही फिल्म का स्क्रीन प्ले परिवेश को मजबूती प्रदान करता है वे अपनी कहानी में लिंग जातिवाद सत्ता की भूख जैसे कई मुद्दों को उजागर करते हैं मध्यांतर तक फिल्म परत दर परत थ्रिलर अंदाज में चौंकाती है मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है सेकंड हाफ में राजनीतिक दांव पेच के बजाय तारा के व्यक्तिगत जीवन का पर फोकस किया जाता है क्लाइमेक्स दमदार है फिल्म के संवाद चुटकुले हैं और यूपी में जो मेट्रो बनाता है वो हारता है और जो मंदिर बनाता है वो जीतता है मैं कुमारी हूँ तेज कटारी हूँ लेकिन तुम्हारी हूँ जैसे कई डाइलॉग याद आ जाते हैं जैस नायर की सिनेमोटोग्राफिक कहानी को विश्वसनीय बनाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है शुक्र में फिल्म में बेवजह गाने नहीं ठूसे गई हैं मंगेश धाकड़े के संगीत में स्वानंद किरकिरे का गाया गया गाना चिड़ी चिड़ी कहानी के अनुरूप है इस क्रूर राजनीतिक ड्रामा को दर्शाया और बनाया गया है ऋचा चड्ढा का दमदार अभिनय अगर ये कहा जाए कि यह ऋचा के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है तो गलत ना होगा फिल्म की शुरुआत में उनके बायोकॉट बालों वाला लुक थोड़ी उलझन पैदा करता है मगर कुछ ही मिनटों के बाद किरदार में इस लुक को घन मिल जाती है कि दर्शक उस लुक को भूल उनकी कॉन्टेस्ट को धोखा खा जाती हैं और दलित लड़की का सी के रूप में ट्रांसफेंशन गजब का है ऋचा ही नहीं तमाम कलाकारों का अभिनय फिल्म का सारा सख्त पहलू है और मास्टर जी के रूप में सौरभ शुक्ला दिल जीत लेते हैं इनके और ऋचा के बीच एक दृश्य फिल्म के हाईलाइट बन पड़े हैं हिंदू के इंदु त्रिपाठी के रूप में अक्षय ओबराय और दानिश खान के रोल में मानो कौल ने सशक्त उपस्थिति दर्शाई है और सत्ता नेता के किरदार में सुब्रा ज्योति जमे हैं सहयोगी कास्ट परफेक्ट हैं और इस फिल्म में इस खूबसूरत गाने चिड़ी चिड़ी के रिलैक्स मैसूर गीतकार दुष्यंत ने लिखे हैं क्यों देखें पॉलिटिक ड्रामा के शौकीन और कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्म देखी जा सकती है और आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं तो इसके लिए कागज की जरूरत होती है इन कागजों के बिना आपका कोई काम नहीं होता लेकिन अगर इन कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया जाए तो आप जीते जी कोई भी काम नहीं कर सकते इस एक सरकारी आवाज़ की असीमियत बताने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म कागज फिल्म लाल बिहारी मृतक नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जिन्होंने 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद खुद को जीवित साबित कर दिया था यूपी के खलीलाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला भारत लाल पंकज त्रिपाठी एक वैंड मास्टर है जो अपनी पत्नी रुकमणी एम मोनल गज्जर और बच्चों के साथ सुख से रह रहा है भारत लाल की पत्नी रुकमणी अपने अपना काम और बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए सलाह लेती है जब भारत लाल बैंक जाता है तो लोन के बदले उसे गिरोह रखने के लिए जमीन के कागजात मांगे जाते हैं भारत लाल अपनी ज़मीन के कागजात लेने जाता है यह तो जानकर हैरान रह जाता है कि कागजों के मुताबिक वो मर चुका है और उसकी जमीन उसके चाचा बेटों को बांट दी गई है इसके बाद शुरू होता है भारत का लंबा संघर्ष जिसमें वो लेखपाल से लेकर प्रधानमंत्री और कोर्ट के चक्कर काटता है भारत लाल की मदद के लिए आगे आते हैं साधु केवट वकील सतीश कौशुक जो अंत की उम्मीद मदद करती हैं और भारतलाल अपने नाम के आगे मृतक लगा लेता है और उसके साथ पूरे प्रदेश के ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्होंने कागजों में मृत घोषित कर दिया है इस लंबे संघर्ष के बाद भारत लाल का काम धंधा बंद हो जाता है और परिवार साथ छोड़ देता है लेकिन भारत लाल हार नहीं मानता अठारह साल के लंबे संघर्ष के बाद भारत लाल कैसे का कागजों में खुद को जीवित करता है और इसी संघर्ष की कहानी है कागज़ फिल्म का रिव्यू में गांव के सरपंच में एक डायलॉग बोलता है कि इस देश में राज्यपाल से भी बड़ा लेखपाल होता है इसके लिखे कोई नहीं मिटा सकता ये आज भी हमारी व्यवस्था की सच्चाई है देश भर में गांव देहातों में आज भी भारत लाल जैसे जिंदा मरे हुए हैं जो लोग घूम रहे हैं लोग पूरी ज़िंदगी अदालतों के चक्कर काटते हैं लेकिन कभी खुद को जीवित साबित नहीं कर पाते हैं कागजों में मरने के बाद वास्तव में मर जाते हैं डायरेक्टर सतीश कौशिक फिल्म को बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज़ में शुरू करते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ ये फिल्म बेहद सीरियस होती जाती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो आप भारत लाल की पीड़ा और जीत को गहराई से समझने लगती है फिल्म संघर्ष के जज्बे की पॉजिटिव संदेश भी देती है हालांकि फिल्म कभी भी बहुत धीमी लगने लगती है लेकिन भरत लाल ने नए हथकंडे के लिए भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है इस फिल्म में चार चड्ढा मुख्य भूमिका में हैं और फिल्म की आधिकारिक घोषणा 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी और फिल्म की शूटिंग लखनऊ में नवंबर और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे 40 दिनों के शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी ये फिल्म बाईस जनवरी दो को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष कपूर और इस फिल्म को लिखा है सुभाष कपूर ने फ्रेंड्स इस फिल्म को उत्पादित किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार और नारायण कुमार और डिम्पल खरवंदा ने और इस फिल्म को अभिनत करने वाले हैं रचा चड्ढा और मानव कौल और इस फिल्म का छायांकन किया है जयेश नायर ने और इस फिल्म को संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने और इस फिल्म में संगीत दिया है मगनीश धाकड़ ने और उत्पादन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स फिल्म ए कनाडा टाकीज प्रोडक्शन और इस फिल्म को वितरित किया है ए ए ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को रिलीज किया गया था 22 20 जनवरी 2021 को देश भारत भाषा हिंदी और अंग्रेजी अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 0.5 मिलियन तो फ्रेंड्स बिना देरी किए इस फिल्म की कहानी को स्टार्ट करते हैं तो इस फिल्म में मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी बताती हैं जो एक निचली जाति की युवती हैं जो अपने समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती हैं और वो एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती हैं और रैंकों के माध्यम से अपना काम करती हैं अंततः एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती हैं और अपनी बुद्धिमता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से भेदभाव और ग्रह का सामना करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता के लिए एक बाधा के रूप में देखती हैं और चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती हैं और जब वो अवसर आता है तो वो इसे दोनों हाथों से लपक लेती हैं और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी होती हैं और जीत जाती हैं राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती हैं हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई इसकी चुनौती के बिना नहीं है और वो उसे अपनी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना करना पड़ता है व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उनके प्रेमी के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य है और फिल्म भारतीय राजनीति की जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है जिसमें जाति का व्यापक प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं जो अक्सर राजनीतिक जीवन की एक विशेषता है यह सत्ता के पदों पर महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करती है जिन्हें पुरुष प्रधान दुनिया को निगेटिव करना चाहिए और पूर्व ग्रहों और भेदभाव को दूर करना चाहिए तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो मुख्यमंत्री तारा स्वरूप राम के रूप में चड चट, ऋचा चड्ढा दानिश की पत्नी और इंद्रमणि की पूर्व प्रेमिका हैं दानिश रहमान खान के रूप में मानोकौल और तारा के पति और शशि के मंगेतर हैं इंद्रमणि इंद्र त्रिपाठी के रूप में अच्छे ओबराय और तारा का पूर्व प्रेमी और दुश्मन जिसने उसे तब तक छोड़ दिया और उसका इस्तेमाल किया जब दो बार अपने बच्चे द्वारा गर्भवती हुई थी और सुरेश शुक्ला मिनिस्टर सुभाष रंगन हैं और सुभ्रा ज्योति वरात अरविंद सिंह के रूप में हैं और बबलू के रूप में निखिल विजय हैं और सुंदर के रूप में बोलोराम दास हैं और संगम हैं और रविजा चौहान दानिश के मंगेतर शशि राय के रूप में सुशील शुक्ला अंसारी के रूप में हैं और विवेक यादव हैं हत्यारी के रूप में राजवर्धन पांडे हैं तो इस फिल्म में संगीत दिया है मंगेश धाकर द्वारा रचित जबकि गीत दुष्यंत द्वारा लिखे गए हैं और इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जो इस प्रकार है चिड़ी चिड़ी इसको गाया है सावंत किरकिरे ने तो फिल्म को रौनक कोटेजा ने पाँच में से तीन स्टार दिए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन किया है मैडम चीफ मिनिस्टर को एक मनोरंजक राजनीतिक ड्रामा होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध पीड़ित गलियारों से स्थापित है और दलित महिला को नहीं चुनने के लिए इस फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई थी और अभिनेता ने अफसोसजनक और पूरी तरह से अनजाने निरीक्षण का जवाब दिया था धारा तीन के रूप में जाना जाता है अजय बहल द्वारा निर्देशित दो की भारतीय हिंदी भाषा की कानूनी ड्रामा फिल्म है। जिसे मनीष गुप्ता द्वारा लिखा गया और कुमार मंगन पाठक द्वारा निर्मित है और अभिषेक पाठक और यह भारत में भारतीय दंड संहिता कानूनों की धारा तीन पर आधारित है इस फिल्म में अक्षय खन्ना रचा चड्ढा मीरा चोपड़ा ने अभिनय किया है और राहुल भट्ट फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी दो में शुरू हुई थी तो यह फिल्म 13 सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और फिल्म में पहले दिन कम से ओपनिंग की और बॉक्स ऑफिस पर औसत घोषित की गई थी उल्लेखनीय है यह फिल्म की निर्देशक रोहन खुराना और राहुल भट्ट को सहायक पोशाक डिजाइन अंजलि डांगले यानी कि मीरा चोपड़ा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया है उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रतिभाशाली आपराधिक वरिष्ठ तरुणा सलूजा यानी कि अच्छे खन्ना और अभियुक्त के दावे में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ही। जबकि हीरल गांधी यानी कि चड्ढा एक यूटोपेरियन और उत्साही वकील अपना पहला बड़ा केस लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की ट्रेन थी और दावा किए गए कि पीड़ित के आभियोजक और बचाव पक्ष के बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं और तरुण और अपने सिद्धांत से चलते हैं कानून एक तथ्य है न्याय अमूर्त और उनका मानना है कि वो एक वकील को किसी मामले में भावात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए या नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए फ्लैशबैक में एक संगोष्ठी में हिरल ने भी भाग लिया और वो अनुमान लगाता है कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है यह देखते हुए कि न्याय की खोज और कुछ नहीं बल्कि बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पक्ष और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर का अवसर है वो अपनी पंक्ति में हम कानून के व्यवसाय में हैं और न्याय के नहीं के साथ इसका सारांश देते हुए ये पूरी तरह से हिरल के रवैये के विपरीत है क्योंकि वो न्याय देने के अपने प्रयास में लगन में शामिल हो जाती हैं इसी वजह से उन्हें पिछले दिनों तरुण की ला फर्म छोड़नी पड़ती है तरुण ने अपने जिरह में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ या मुख्य गवाहों के द्वारा छिपाए गए तथ्यों का पर्दाफाश किया है और वो इस सिद्धांत का प्रस्ताव करता है कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति से संबंध था जो उसकी नौकरी को बनाए रखने के लिए दबाव से शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वो भावात्मक रूप से रिश्ते में शामिल हो गई है बाद में जब उसे पता चला कि रोहन केवल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि वो उससे अपने जीवन साथी होने की उम्मीद कर रही थी जो इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक बड़ी बहस होती है रोहन उसका अपमान करता है और उसे बताता है कि उसके बिना उसका करियर खत्म हो गया है बाद में रोहन ने उसे अपने दूसरे फ्लैट से बाहर निकाल दिया जहाँ उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और कुछ दिनों के बाद अंजलि रोहन से माफ़ी मांगती है और वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं बाद में दिन में वो इस घटना को पुलिस को बलात्कार के रूप में रिपोर्ट करती है और इस बात पर जोर देते हुए कि यह अफेयर के खराब होने का मामला है तरुण बताते हैं कि कानूनी सहमति से शारीरिक संबंध को बलात्कार नहीं माना जाता हीरल का तर्क है कि भले ही किसी जोड़े के अतीत में सहमति से संबंध रहे हों लेकिन बाद में लड़की की सहमति के बिना कोई भी यौन संबंध बलात्कार नहीं है मामला दंड संहिता तीन के कानूनी प्रावधानों पर विवाद करता है जो उन रिश्तों के माध्यम से परिभाषित करता है जिनके तहत यौन अपराध को बलात्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है न्यायाधीशों की एक कठिन स्थान पर रखा गया है क्योंकि एक ओर यह स्पष्ट है कि अंजलि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह मामला दायर किया था और दूसरी ओर एक मजबूत सार्वजनिक धारणा की कि अमीर और प्रभावशाली लोग वंचितों का शोषण कर रहे हैं दोनों न्यायाधीश अपने कक्ष में मामले पर विचार विमर्श भी करते हैं और परिस्थितिजनक साक्षी स्पष्ट रूप से नकली बलात्कार के आरोपों को की ओर इशारा करते हुए तरुण के पक्ष में एक निर्णय उनकी साख पर बुरी तरह से प्रतिबंधित होगा न्यायाधीशों में से एक बालकनी से झांकता है और अभियुक्तों के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं विरोध को देखते हैं और यह है स्पष्ट है कि उनका निर्णय क्या होगा बीच में फैसला सुनाते समय तरुण द्वारा प्रस्तुत मामले की योग्यता को स्वीकार करती है लेकिन जनता की भावना बेच को किताब के अनुसार शक्ति से जानने और लोकप्रिय राय के अनुरूप निर्णय देने के लिए मजबूर करती है न्यायाधीश सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं जिसमें कहा गया है कि चूंकि इस विशेष घटना के लिए सहमति या वल का कोई सबूत नहीं है इसीलिए पीड़िता के बयान को सर्वपरि सच माना जाता है रोहन की पत्नी कन, कैनाज और चली जाती है तरण रोहन से वादा करता है कि वो तुरंत हाई कोर्ट का दावा करके उसका दरवाजा खटखटाएगा और रोहन को जेल से लाएगा और अंजलि रियल से गुप्त रूप से कबूल करती है कि तरुण से अदालत में जो कहा था वो सच था और उसने रूह से बदला लेने के लिए ऐसा किया है हीरल इससे चौंक जाता है और बाद में तरुण के परिवार द्वारा उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तरुण ने एक बार फिर उसे याद दिलाया कि हम फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था इसे 5 सितंबर को खन्ना को प्रस्तुत करने वाला एक डायलॉग प्रेमो जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियम 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ इंटरनेशनल इन, फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म थी और इसे सराहनाएं भी मिली हैं ये फिल्म 11 सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रेटिंगमेटेडोज पर फिल्म 11 समीक्षाओं के आधार पर 64% की रेटिंग रखती है जिसकी औसत रेटिंग दस में से सात है द टाइम ऑफ इंडिया के श्रीपर्णा सेन गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं और अक्षय खन्ना रचा चड्डा और राहुल भट्ट और किशोर कदम की पटक कथा संवाद और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए फिल्म एक कुरकुरा रन टाइम के साथ मनोरंजक घड़ी के लिए बनाई गई थी और शीर्ष पायदान प्रदर्शन समापन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सेक्शन तीन और दुस्साहसिक प्रयास है यह एक प्रासंगिक फिल्म है जो एक जटिल मुद्दे से निपटती है और जो बहिष्क जोड़ेगी, सूचित करेगी और खुलेगी। व्यापार विश्लेषक और आलोचक आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं इसे शक्तिशाली के रूप में टैग किया है और अक्षय खन्ना के प्रदर्शन की प्रशंसा की है जिसमें रचा चड्ढा लेखन और निर्देशन उन्होंने कहा है कि एक प्रासंगिक फिल्म जो प्रासंगिक बिंदुओं को उठाती है अनुशासित फर्स्ट पोस्ट की उदिता झुंझुनूवाला ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा है कि यह सिनेमोटोग्राफी और संपादन था जिसने फिल्म को वांछनीय गति और मनोदशा में आगे बढ़ाया है मनीष गुप्ता के लेखन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि फिल्म ने तो एक तीखा नैतिक रुख अपनाया है और ना ही बॉलीवुड स्टार कोड रूम हिस्टीरिया का सहारा लिया है बल्कि यह एक अत्यधिक अवशोषित कथा पर टिक रही है जिसमें चतुराई से मामले के दोनों पक्षों की जांच की और नियम को टाल दिया गया कानून की देवेश शर्मा फिल्म फेयर रेट्स के लिए एक समीक्षा कर रहे हैं और फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए हैं और उन्होंने लिखा है कि यह फिल्म सार गर्भित और मजाकिया संवादों के साथ एक अच्छी तरह से तैयार की गई है अच्छी तरह से अभिनय करने वाली फिल्म थी उन्होंने अच्छे खन्ना और चड्ढा के प्रदर्शन की प्रशंसा की है लेकिन चरमोत्सव की आलोचना करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि यह आपराधिक मोड बिल्कुल अंत में फिल्म द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को खत्म कर देगी और आपको मुंह में कड़वा स्वाद देती है निर्देशक बहुत चालाक होने की कोशिश कर रहे हैं यह लेकिन यह एक चतुराई फिल्म के बड़प्पन को खा जाती है गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने पाँच में से साढ़े सितारे दिए हैं और मुख्य कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि अच्छे खन्ना चड्ढा दोनों युद्धरत कानूनी सलाहकारों के रूप में शीर्ष के रूप में उन्होंने फिल्म के संपादन की भी प्रशंसा की है और दूसरे भाग को निराशजनक रूप से सुविधाजनक बनाया गया है निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने हालांकि आप इस बात से रोमांचित नहीं हो सकते कि फिल्म कहाँ जा रही है और सही बात यह है कि धारा तीन को निष्पक्ष सुनाई दी जाए और न्यूज अट्ठारह के लिए लेखन राजू मसंद ने फिल्म को स्पष्ट रूप से समूहक कोर्ट रूम ड्रामा करार दिया है और इसे पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए हैं उन्होंने कहा है कि निर्देशक अजय बहल और लेखक मनीष गुप्ता ने एक तीक्षण विचारोत्तक नाटक बनाया है जिसमें सामयिक और मौजूदा स्थिति के प्रति सचेत हैं समापन करते हुए उन्होंने कहा है कि यह एक प्रेरक तर्क के, के साथ एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जो परेशान करने वाली है मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म में रिचा चड्डाजी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है तो वो एक भारतीय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करती हैं और कॉमेडी फिल्म ओ ए लकी में एक छोटी सी भूमिका में शुरुआत करने के बाद दो रिचा चड्ढा को सफलता 2012 में नोयर गैंगस्टर गाथा गेम्स ऑफ वैसुपुर में एक सहायक भूमिका के साथ मिली थी जहां एक गैंगस्टर कोई बेलगाम और अभ्यस्त पत्नी के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था तो फ्रेंड्स इनका जन्म 18 सितंबर 1986 को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है रिचा चड्ढा के नाम से भी जानते हैं और इनकी शिक्षा सरदार पटेल विद्यालय से हुई थी अल्मा मेटर सेंट स्टीफंस कॉलेज है और इनका व्यवसाय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2008 से वर्तमान तक इनके जीवन साथी हैं अली फजल और 2015 में चड्ढा ने नाटक मसान 2015 के साथ एक प्रमुख भूमिका में अपनी शुरुआत की थी तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो चड्ढा जी का जन्म अठारह दिसंबर उन्नीस को अमृतसर पंजाब में हुआ था उन्होंने 2008 में उन्होंने ग्लैडमस लिया था और मई 2016 में चड्ढा ने एन को दिए गए साक्षात्कार में खुलासा किया था कि वो कई वर्षों से बुल्गारिया में एक खाने का विकार से पीड़ित थी और ग्लैमर मेगा मॉडल की प्रतियोगिता में भाग लिया था नैदानिक मनोचिकित्सक से पेशेवर में मदद लेने के बाद ठीक हो गई थी और पितृसत्ता स्त्री द्वेष और पुरुष दृष्टि की व्यापकता को उसे खाने के विकार के लिए जिम्मेदार ठहराना मनोरंजक के क्षेत्र में जिन्होंने अन्य महिलाओं को अपने स्वयं के खाने और मानसिक विकारों के साथ सार्वजनिक रूप से जानने का आह्वान किया था और सोचने के तरीकों के विनाश का आवाहन किया था जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है वो अली फजल के साथ रिश्ते में रहीं और वो वर्तमान में मुंबई में रहती हैं ऋचा चड्ढा बी आर अम्बेडकर को अपना आइकन मानती हैं और 23 सितंबर 2022 को उसने और फजल ने अपनी आसन शादी की घोषणा की और कहा कि समारोह पर्यावरण के अनुकूल होगा और 4 अक्टूबर 2022 को उन्होंने लखनऊ में एक समारोह में फजल से शादी की है उन्होंने 2014 में अपने पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स के विज्ञापन अभिनय के लिए एक जलपरी के रूप में पोज दिया था जिसमें लोगों को मछली खाने से बचने और शाकाहारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था उसी वर्ष उन्होंने क्लाइमेक्स फैशन वीक के रैप पर वाक किया और ट्रिवियल डिजायर्स नामक एक नाटक में अभिनय किया था तो राजनीतिक सक्रियवादिता में भी भाग लिया है जनवरी 2020 में अभिनेत्री ने मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले तापसी पन्नू जैसे फिल्म बिरादरी के अन्य अभिनेताओं में शामिल होने वाले जे हमले में पीड़ित छात्रों के साथ एक जुटता की व्यक्त की और इसमें पहले उन्होंने 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया था जब उन्होंने दो परिसरों में छात्र भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे थे तो ऋचा चड्डा ने महामारी के बीच समाज से सामान्य अच्छी कहानियों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ जून 2021 में सोशल मीडिया द किडनी बनाया और अभिनेता और उनके दोस्त और उद्यमी कृष्णा जगोता ने एक समर्पित इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया था जहां वे लोगों और उनके सद्भावना के कार्यों का उजागर करेंगी और सार्वजनिक विचार ऋचा चड्ढा जी के सार्वजनिक विचार कैसे थे ऋचा चड्ढा का तर्क ही भारत में धर्म पाखंड में बदल गया और चाहे वो महिलाओं के साथ व्यवहार में हो या त्यौहार के उत्सव में ऋचा चड्ढा ने जोर देकर कहा कि वो धार्मिक नहीं हैं लेकिन उनका आत्मधिकता से गहरा संबंध है और जितना अधिक वो इसका अध्ययन करती हैं उतना ही वो महिलाओं के साथ समाज के लिए व्यवहार से चकित होती हैं ऋचा चड्ढा ने मई 2018 में हिंदुत्व समर्थकों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपील के साथ एक जनहित नोटिस दायर किया था और धर्म के लिए खतरा है हिंदुत्व के समर्थकों से छुटकारा पाए और धर्म बच जाएगा जनहित में इसके बाद ऋचा चड्ढा को दक्षिणाती हिंदू टोल्स से बलात्कार और हत्या की धमकी मिली थी अली फजल के साथ अपने सा अंत धार्मिक संबंध के बारे में रिचा चड्ढा का कहना है कि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके माता पिता प्यार को समझते हैं और उनका मानना है कि एक बार जब आप प्यार की खोज कर लेते हैं तो आपको किसी और चीज़ की चिंता के बिना इसे बनाए रखना चाहिए और उन्होंने अपना प्यार अली में पाया है चड्ढा ने कहा कि उनके पिता एक पंजाबी हैं और उनकी माँ एक बिहारी हैं वह एक महान रिश्ते को साझा करते हुए जो इस प्रकार की कट्टरता को अप्रभावित हैं और यह कहते हुए कि वो उद्धत किया गया है देखो यह भारत है हम सब बहुमिश्रित हैं मेरी माँ बिहारी है जबकि मेरे पापा पंजाबी हैं और यहाँ मैं आपके सामने बैठी हूँ और नवंबर 2020 में चड्ढा ने माफी मांगी और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के जवाब में किए गए एक विवाद स्पष्ट ट्वीट को हटा दिया गया और अगर भारत सरकार आदेश जारी करती तो भारतीय सेना पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा गेम ऑफ वासुपुर भाग एक में अभिनय किया था उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि नगमा खातून के इस रूप से भूमिका ने उन्हें ग्यारह फिल्म में भूमिकाएं प्राप्त करने में मदद की और फिल्म की प्रीमियम पैंसठ कान फिल्म समारोह में हुआ था उन्होंने गैंगस ऑफ वासेपुर भाग टू की अगली कड़ी में नगमा खातून के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और फिल्म का प्रीमियम कांस डायरेक्शन पखवाड़े में कांस फिल्म के फेस्टिवल में इसके फिक्वेल के साथ चड्ढा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था चड्ढा की दो की पहली रिलीज मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म फुकरे में आई जिसमें उन्होंने एक कठिन बात करने वाली महिला डान भोली पंजाबन की भूमिका निभाई थी इसके बाद वो अनुराग कश्यप द्वारा निभाई गई एंथोलॉजी फिल्म शार्ट के एक सेगमेंट में एप्लीग में दिखाई दी थी मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी में मानो कॉल ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है वो एक जाने माने भारतीय थिएटर निर्देशक नाटककार लेखक अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं फिल्म तुम्हारी सुलू जो 2017 में आई थी उनकी इस फिल्म में कमाल की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म, फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था इनका जन्म 19 दिसंबर 1976 को बारामूला कश्मीर में हुआ था अभी ये मात्र 46 साल के हैं इनका राशि सिंह धनु हैं इनके परिवार में माता पिता और एक भाई मानस गोयल है इसके कोई वह नहीं है इनके ना अभी तक कोई अफेयर की जानकारी है और अभी तक इन्होंने विवाह नहीं किया है इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ़ स्कूल कश्मीर से हुई है और आगे की शिक्षा कहाँ तक की और कहाँ से की इसकी कोई जानकारी नहीं है इन्हें पढ़ने की यात्रा का शौक करने में इनकी कचौड़ी बेहद पसंद है और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़े और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इनके पसंदीदा कलाकार लद्दाख और थाईलैंड जैसे खूबसूरत जगह घूमना इन्हें बेहद पसंद है इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी हाइट पाँच फीट चार इंच है और एक सौ तिहत्तर सेंटीमीटर यानी कि वन पॉइंट तिहत्तर मीटर हैं वेट पचहत्तर की ग्रह और एक सौ पैंसठ पाउंड है बॉडी मेजरमेंट्स और की बात करें तो इनका चेस्ट चालीस इंच कमर बत्तीस इंच और बाई सस्पेंस तिहत्तर इंच है देखने में दुबले पतले हैं पर काफ़ी फिट हैं इसके बालों का रंग काला और आँखों का रंग भूरा है जो इनके लुक को और ज़्यादा अट्रेक्टिव बनाता है तो आइए जानते हैं इनकी फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म डेब्यू जजंता राम ममता राम से की थी ये फिल्म 2003 में आई और इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी मानव कौल की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 2003 से 2021 में कई फिल्मों की जिनमें से कुछ फिल्में डाईबुक दो हज़ार इक्कीस साइना दो हज़ार इक्कीस मैडम चीफ मिनिस्टर दो हज़ार इक्कीस बारह ओ क्लाक दो हज़ार इक्कीस थप्पड़ दो हज़ार बीस बदला दो हज़ार उन्नीस तुम्हारी सोलू दो हज़ार सत्रह ए स्कैंडल दो हज़ार सोलह और जय गंगा जल दो हज़ार सोलह आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं मानव अपने परिवार के साथ कश्मीर में रहते थे लेकिन नब्बे के दशक में हुए दंगों के दौरान ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शिफ्ट हो गए थे शिफ्ट होने के बाद इनकी ख़राब वित्तीय स्थिति के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इनके माता पिता ने चाय की दुकान या पान की दुकान खोलने के लिए कहा था ये अपने मुश्किल समय में अब अपने बचपन के दोस्त के साथ भक्तों द्वारा फेंके गए पैसे की नर्मदा नदी में डुबकी लगाते थे वहां एक कोच ने इन्हें देखा और इनकी तैराकी से प्रसन्न आ गए और इन्होंने इनके मार्गदर्शन से इन्हें भोपाल में दो साल के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए चुना गया था जहाँ उन्होंने थिएटर नाटकों में रुचि विकसित की और इसके बाद वे मुंबई चले गए थे और मंच निर्देशन नाटक लेखन और अभिनय किया था उन्होंने 2006 में अपने नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट पुरस्कार के लिए मेटा पुरस्कार जीता था और इन्होंने 2012 में अपनी पहली फिल्म हंसा का निर्देशन किया था जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑडियंस ओट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला था 2013 में इन्हें फिल्म पोचे में सफल भूमिका मिली जहां उन्होंने एक राजनेता की भूमिका निभाई और काफ़ी फेमस हुए थे इनकी कमाई की बात करें तो ये लगभग एक से पाँच मिलियन और नेट वर्थ तीस मिलियन है जो भारतीय मुद्रा में लगभग इक्कीस करोड़ रुपये है मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर जी ने तो सुभाष कपूर एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पठक कथा लेखक हैं वो एक राजनीतिक पत्रकार और बाद में चरण गए ओबामा 2010 और जाली एल एल वी दो और जाली एल एल दो जैसे व्यंग्य हास्य नाटकों को निर्देशित करने के लिए जाने जाते हैं तो हिंदी साहित्य में अपनी एम ए की डिग्री पूरी करने के बाद कपूर ने 1990 के दशक में उत्तर भारत में कावर करते हुए दिल्ली में एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था इसके बाद जब उसकी लघु फिल्म ने उन्हें 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यवसायिक लघु फिल्में वृत्तवर्ती और विज्ञापन फिल्में उन्होंने 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यवसायिक लघु फिल्में वृत्तबत्ती और विज्ञापन फिल्में बनाना शुरू कर दिया था और 2006 में मुंबई में आधार स्थानांतरित कर लिया था और 2007 में कपूर ने सय सलाम इंडिया के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और दो में उन्होंने अपने दूसरे उद्यम एक बैंग फंस गए रे ओबामा का निर्देशन किया था जिसमें कई कॉमेडियन शामिल थे फिल्म भारत में एक अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ व्यावसायिक सफलता की भी प्राप्ति की थी फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के कारण कपूर ने अपना अगला प्रोजेक्ट लिखना शुरू किया था और दो में कपूर ने जाली एल रिलीज की और जिसमें अरशद वारसी अमृता राव और बोमन ईरानी थे ये एक कार्मिक टच के साथ एक कोर्ट रूम ड्रामा है फिल्म 15 मार्च 2013 में रिलीज हुई थी वो जाली एलएलबी के सीक्वल जाली एलएलबी 2 के लेखक निर्देशक भी हैं जिसमें अक्षय कुमार हुमा कुरैसी अन्नू कपूर सौरभ शुक्ला ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और 2010 हजार दस फरवरी और 2017 को जबरदस्त आलोचनात्मक प्रशंसाएं और बॉक्स ऑफिस नंबरों के साथ रिलीज हुई थी ये दुनिया भर में कुल बॉक्स ऑफिस की कमाई 200 करोड़ रुपए से अधिक थी तमाम विवादों के बीच निर्देशक सुभाष कपूर की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर कोरोना काल में आज थिएटर में रिलीज हुई माना जा रहा है कि फिल्म रीचा चड्ढा का रोल बसपा नेता मायावती से मिलता जुलता रहा है हालांकि फिल्म की शुरुआत में ही एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दिया गया था यह फिल्म की कहानी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे सुभाष कपूर दलित महिला लीडर के निजी और राजनीतिक जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं और ऐश्वर्य के दर्शन में कामयाब रहे हैं उनके सीधे साधे हुए निर्देशन में ऋचा चड्ढा का लाजवाब अभिनय ने सोने पर सुहागा वाला काम करती हैं कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नीस के उस दौर से जहां दलित दूल्हे की बारात में ठाकुरों का परिवार महज इसीलिए गोलाबारी कर देता था कि क्योंकि दलित ने ठाकुरों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़ने का ऐसा दुस्साहस किया था जिसका सर्वाधिकार ठाकुर अपने लिए मानते हैं गोलाबारी में बीच बचाव करते हुए रूप मारा गया था और उसी वक्त उसके घर एक बेटी पैदा होती है बेटी की माँ अपनी सास से मिनतें करती है कि वो उसकी इस बच्ची को पिछली बेटियों की तरह जहर चटाकर न मारे फिल्म का दूसरा सीन 2005 का है जहाँ वो बच्ची तारा यानी कि रिचा चड्डा बेबाक विंदाश निडर और पढ़ी लिखी टाम बायस लड़की के रूप में जवान हो चुकी है तो ऊंची जात के युवा नेता इंदु त्रिपाठी यानी कि अच्छे ओबराय से प्रेम करती है वो इंदु से शादी करने के सपने देखती है मगर तभी उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जाना माना दलित नेता मास्टर जी सौरभ शुक्ला उसे तूफान से बचाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर लेता है इसके बाद सीएम बनने तक का सफर शुरू होता है इस सफर में जातिवाद विश्वासघात सड़े तो से भरा राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आता है निर्देशक सुभाष कपूर का निर्देशन कसा हुआ है वे चरित्रों को कहानी और विषय के अनुरूप गढ़ने में सफल रही फिल्म का स्क्रीन प्ले परिवेश को मजबूती प्रदान करता है वे अपनी कहानी में लिंग वेद जाति सत्ता की भूख जैसे कई मुद्दों को उजागर करते हैं परत है। मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है सेकंड हाफ में राजनीतिक दांव पेच के बजाय तारा के व्यक्तिगत जीवन का पर फोकस किया जाता है क्लाइमेक्स दमदार है फिल्म के संवाद चुटकुले हैं और यूपी में जो मेट्रो बनाता है वो हारता है और जो मंदिर बनाता है वो जीतता है मैं कुमारी हूँ तेज कटारी हूँ लेकिन तुम्हारी हूँ जैसे कई डायलॉग याद आ जाते हैं जैस नायर की सिनेमोटीग्राफिक कहानी को विश्वसनीय बनाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है शुक्र में फिल्म में बेवजह गाने नहीं ठूसे गई हैं मंगेश धाकड़े के संगीत में स्वानंद किरकिरे का गाया गया गाना चिड़ी चिड़ी कहानी के अनुरूप है इस क्रूर राजनीतिक ड्रामा को दर्शाया और बनाया गया है ऋचा चड्ढा का दमदार अभिनय अगर यह कहा जाए कि यह ऋचा के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है तो गलत ना होगा फिल्म की शुरुआत में उनके बायकॉट बालों वाला लुक थोड़ी उलझन पैदा करता है मगर कुछ ही मिनटों के बाद किरदार में इस लुक को घुलंदन मिल जाती है कि दर्शक उस लुक को भूल उनकी कॉन्टेस्ट को धोखा खा जाती हैं और दलित लड़की का सीएम के रूप में ट्रांसफेंशन गजब का है ऋचा ही नहीं तमाम कलाकारों का अभिनय फिल्म का सारा सख्त पहलू है और मास्टर जी के रूप में सौरभ शुक्ला दिल जीत लेते हैं इनके और ऋचा के बीच एक दृश्य फिल्म के हाईलाइट बन पड़े हैं हिंदू के इंदु त्रिपाठी के रूप में अक्षय ओबराय और दानिश खान के रोल में मानो कौल ने सशक्त उपस्थिति दर्शाई है और सत्ता लोल नेता के किरदार में सुब्रा ज्योति जमे हैं सहयोगी कास्ट परफेक्ट हैं और इस फिल्म में इस खूबसूरत गाने चिड़ी चिड़ी के रिलैक्स मैसूर गीतकार दुष्यंत ने लिखे हैं क्यों देखें पॉलिटिक ड्रामा के शौकीन और कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्म देखी जा सकती है और आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं तो इसके लिए कागज की जरूरत होती है इन कागजों के बिना आपका कोई काम नहीं होता लेकिन अगर इन कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया जाए तो आप जीते जी कोई भी काम नहीं कर सकते इस एक सरकारी आवाज़ की असीमियत बताने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म कागज फिल्म लाल बिहारी मृतक नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जिन्होंने 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद खुद को जीवित साबित कर दिया था यूपी के खलीलाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला भारत लाल पंकज त्रिपाठी एक बैंड मास्टर है जो अपनी पत्नी रुकमणी एम मोनल गज्जर और बच्चों के साथ सुख से रह रहा है भारत लाल की पत्नी रुकमणी अपने अपना काम और बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए सलाह लेती है जब भारत लाल बैंक जाता है तो लोन के बदले उसे गिरवी रखने के लिए ज़मीन के कागजात मांगे जाते हैं भारत लाल अपनी ज़मीन के कागजात लेने जाता है यह तो जानकर हैरान रह जाता है कि कागजों के मुताबिक वो मर चुका है और उसकी जमीन उसके चाचा बेटों को बांट दी गई है इसके बाद शुरू होता है भारत का लंबा संघर्ष जिसमें वो लेखपाल से लेकर प्रधानमंत्री और कोर्ट के चक्कर काटता है भारत लाल की मदद के लिए आगे आते हैं साधु केवट वकील सतीश कौशुक जो अंत की उम्मीद मदद करती हैं और भारत लाल अपने नाम के आगे मृतक लगा लेता है और उसके साथ पूरे प्रदेश के ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्होंने कागजों में मृत घोषित कर दिया है इस लंबे संघर्ष के बाद भारत लाल का काम धंधा बंद हो जाता है और परिवार साथ छोड़ देता है लेकिन भारत लाल हार नहीं मानता 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारत लाल कैसे का कागजों में खुद को जीवित करता है और इसी संघर्ष की कहानी है कागज फिल्म का रिव्यू में गांव के सरपंच में एक डायलॉग बोलता है कि इस देश में राज्यपाल से भी बड़ा लेखपाल होता है इसके लिखे कोई नहीं मिटा सकता ये आज भी हमारी व्यवस्था की सच्चाई है देश भर में गांव देहातों में आज भी भारत लाल जैसे जिंदा मरे हुए हैं जो लोग घूम रहे हैं लोग पूरी ज़िंदगी अदालतों के चक्कर काटते हैं लेकिन कभी खुद को जीवित साबित नहीं कर पाते हैं कागजों में मरने के बाद वास्तव में मर जाते हैं डायरेक्टर सतीश कौशिक फिल्म को बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में शुरू करते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ ये फिल्म बेहद सीरियस होती जाती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो आप भारत लाल की पीड़ा और जीत को गहराई से समझने लगती है फिल्म संघर्ष के जज्बे की पॉजिटिव संदेश भी देती है हालांकि फिल्म कभी भी बहुत धीमी लगने लगती है लेकिन भरत लाल ने नए हथकंडे के लिए और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे 40 दिनों के शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी यह फिल्म बाईस जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी तो फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष कपूर और इस फिल्म को लिखा है सुभाष कपूर ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को उत्पादित किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार और नारायण कुमार और डिम्पल खरवंदा ने और इस फिल्म को अभिनित करने वाले हैं रचा चड्ढा और मानव कौल और इस फिल्म का छायांकन किया है जयेश नायर ने और इस फिल्म को संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने और इस फिल्म में संगीत दिया है मंगनीश धाकड़ ने और उत्पादन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स फिल्म ए कनाडा कीज प्रोडक्शन और इस फिल्म को वितरित किया है ए ए ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को रिलीज किया गया था 22 20 जनवरी 2021 को देश भारत भाषा हिंदी और अंग्रेजी अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 0.5 मिलियन तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को स्टार्ट करते हैं तो इस फिल्म में मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी बताती हैं जो एक निचली जाति की युवती हैं जो अपने समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती हैं और वो एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती हैं और रैंकों के माध्यम से अपना काम करती हैं अंततः एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती हैं और अपनी बुद्धिमता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से भेदभाव और ग्रह का सामना करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता के लिए एक बाधा के रूप में देखती हैं और चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती हैं और जब वो अवसर आता है तो वो इसे दोनों हाथों से लपक लेती हैं और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी होती हैं और जीत जाती हैं राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती हैं हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई इसकी चुनौती के बिना नहीं है और वो उसे अपनी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना करना पड़ता है व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उनके प्रेमी के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य है और फिल्म भारतीय राजनीति की जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है जिसमें जाति का व्यापक प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं जो अक्सर राजनीतिक जीवन की एक विशेषता है यह सत्ता के पदों पर महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करती है जिन्हें पुरुष प्रधान दुनिया को निगेटिव करना चाहिए और पूर्वग्रहों और भेदभाव को दूर करना चाहिए तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो मुख्यमंत्री तारा स्वरूप राम के रूप में चिचा चट, चड्ढा दानिश की पत्नी और इंद्रमणि की पूर्व प्रेमिका हैं दानिश रहमान खान के रूप में मानो कौल और तारा के पति और शशि के मंगेतर हैं इंद्रमणि इंद्र त्रिपाठी के रूप में अच्छे ओबराय और तारा का पूर्व प्रेमी और दुश्मन जिसने उसे तब तक छोड़ दिया और उसका इस्तेमाल किया जब दो बार अपने बच्चे द्वारा गर्भवती हुई थी और सुरेश शुक्ला मिनिस्टर सुभाष रंजन हैं और सुभ्रा ज्योति वरात अरविंद सिंह के रूप में हैं और बबलू के रूप में निखिल विजय हैं और सुंदर के रूप में बोलोराम दास हैं और संगम हैं और रविजा चौहान दानिश के मंगेतर शशि राय के रूप में सुशील शुक्ला अंसारी के रूप में हैं और विवेक यादव हैं हत्यारी के रूप में राजवर्धन पांडे हैं तो इस फिल्म में संगीत दिया है मंगेश धाकड़ द्वारा रचित जबकि गीत दुष्यंत द्वारा लिखे गए हैं और इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जो इस प्रकार है चिड़ी चिड़ी इसको गाया है सावंत किरकिरे ने तो फिल्म को रौनक कोटेजा ने पाँच में से तीन स्टार दिए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन किया है मैडम चीफ मिनिस्टर को एक मनोरंजक राजनीतिक ड्रामा होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध पीड़ित गलियारों से स्थापित है और दलित महिला को नहीं चुनने के लिए इस फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई थी और अभिनेता ने अफसोसजनक और पूरी तरह से अनजाने निरीक्षण का जवाब दिया था धारा तीन के रूप में जाना जाता है अजय बहल द्वारा निर्देशित दो की भारतीय हिंदी भाषा की कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसे मनीष गुप्ता द्वारा लिखा गया और कुमार पाठक द्वारा निर्मित है और अभिषेक पाठक और यह भारत में भारतीय दंड संहिता कानूनों की धारा तीन पर आधारित है इस फिल्म में अक्षय खन्ना रचा चड्ढा मीरा चोपड़ा ने अभिनय किया है और राहुल भट्ट फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी दो में शुरू हुई थी तो यह फिल्म 13 सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और फिल्म में पहले दिन कम से ओपनिंग की और बॉक्स ऑफिस पर औसत घोषित की गई थी उल्लेखनीय है यह फिल्म की निर्देशक रोहन खुराना और राहुल भट्ट को सहायक पोशाक डिजाइन अंजलि डांगले यानी कि मीरा चोपड़ा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया है उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रतिभाशाली आपराधिक वरिष्ठ तरुणा सलूजा यानी कि अच्छे खन्ना और अभियुक्त के दावे में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ही। जबकि हीरल गांधी यानी कि रिचा चड्ढा एक यूटोपेरियन और उत्साही वकील अपना पहला बड़ा किस्त लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की ट्रेन थी और दावा किए गए कि पीड़ित के अभियोजक और बचाव पक्ष के बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं और तरुण और अपने सिद्धांत से चलते हैं कानून एक तथ्य है न्याय अमूर्त और उनका मानना है कि वो एक वकील को किसी मामले में भावात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए या नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए प्लेसबैक में एक संगोष्ठी में हिरल ने भी भाग लिया और वो अनुमान लगाता है कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है ये देखते हुए कि न्याय की खोज और कुछ नहीं बल्कि बचाव, पक्ष के वकील अभियोजन पक्ष और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर का अवसर है वो अपनी पंक्ति में हम कानून के व्यवसाय में हैं और न्याय के नहीं के साथ इसका सारांश देते हुए ये पूरी तरह से हिरल के रवैये के विपरीत है क्योंकि वो न्याय देने के अपने प्रयास में लगन में शामिल हो जाती हैं इसी वजह से उन्हें पिछले दिनों तरुण की ला फर्म छोड़नी पड़ती है तरुण ने अपने जिर में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ, या मुख्य गवाहों के द्वारा छिपाए गए तथ्यों का पर्दाफाश किया है और वो इस सिद्धांत का प्रस्ताव करता है कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति से संबंध था जो उसकी नौकरी को बनाए रखने के लिए दबाव से शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वो भावात्मक रूप से रिश्ते में शामिल हो गई है बाद में जब उसे पता चला कि रोहन केवल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि वो उससे अपनी जीवन साथी होने की उम्मीद कर रही थी जो इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक बड़ी बहस होती है रोहन उसका अपमान करता है और उसे बताता है कि उसके बिना उसका करियर खत्म हो गया है बाद में रोहन ने उसे अपने दूसरे फ्लैट से बाहर निकाल दिया जहाँ उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और कुछ दिनों के बाद अंजलि रोहन से माफ़ी मांगती है और वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं बाद में दिन में वो इस घटना को पुलिस को बलात्कार के रूप में रिपोर्ट करती है और इस बात पर जोर देते हुए कि यह अफेयर के खराब होने का मामला है तरुण बताते हैं कि कानूनी सहमति से शारीरिक संबंधों को बलात्कार नहीं माना जाता हीरल का तर्क है कि भले ही किसी जोड़े के अतीत में सहमति से संबंध रहे हों लेकिन बाद में लड़की की सहमति के बिना कोई भी यौन संबंध बलात्कार नहीं है मामला दंड संहिता तीन सौ पचहत्तर के कानूनी प्रावधानों पर विवाद करता है जो उन रिश्तों के माध्यम से परिभाषित करता है जिनके तहत यौन अपराध को बलात्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है न्यायाधीशों की एक कठिन स्थान पर रखा गया है क्योंकि एक ओर यह स्पष्ट है कि अंजलि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह मामला दायर किया था और दूसरी ओर एक मजबूत सार्वजनिक धारणा की कि अमीर और प्रभावशाली लोग वंचितों का शोषण कर रहे हैं दोनों न्यायाधीश अपने कक्ष में मामले पर विचार विमर्श करते हैं और परिस्थितिजनक साची स्पष्ट रूप से नकली बलात्कार के आरोपों को की ओर इशारा करते हुए तरुण के पक्ष में एक निर्णय उनकी साख पर बुरी तरह से प्रतिबंधित होगा न्यायाधीशों में से एक बालकनी से झांकता है और अभियुक्तों के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं विरोध को देखते हैं और यह है स्पष्ट है कि उनका निर्णय क्या होगा बीच में फैसला सुनाते समय तरुण द्वारा प्रस्तुत मामले की योग्यता को स्वीकार करती है लेकिन जनता की भावना बेच को किताब के अनुसार शक्ति से जानने और लोकप्रिय राय के अनुरूप निर्णय देने के लिए मजबूर करती है न्यायाधीश सत्र न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं जिसमें कहा गया है कि चूंकि इस विशेष घटना के लिए सहमति या वल का कोई सबूत नहीं है इसीलिए पीड़िता के बयान को सर्वपरि साक्ष्य माना जाता है रोहन की पत्नी कैनाज और चली जाती है तरण रोहन से वादा करता है कि वो तुरंत हाई कोर्ट का दावा करके उसका दरवाजा खटखटाएगा और रोहन को जेल से लाएगा और अंजलि रियल से गुप्त रूप से कबूल करती है कि तरुण से अदालत में जो कहा था वो सच था और उसने रूह से बदला लेने के लिए ऐसा किया है हिरल इससे चौंक जाता है और बाद में तरुण के परिवार द्वारा उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तरुण ने एक बार फिर उसे याद दिलाया कि हम फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा सात अगस्त दो, दो जार को जारी किया गया था इसे पाँच सितंबर को खन्ना को प्रस्तुत करने वाला एक डायलॉग प्रेमो जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियम 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ इं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म थी और इसे सराहनाएं भी मिली हैं ये फिल्म तेरह सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट डॉट पर फिल्म ग्यारह समीक्षाओं के आधार पर चौसठ परसेंट की रेटिंग रखती है जिसकी औसत रेटिंग दस में से सात है द टाइम ऑफ इंडिया के श्रीपर्णा सेन गुप्ता ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिए हैं और अक्षय खन्ना रचा चड्डा और राहुल भट्ट और किशोर कदम की पठक कथा संवाद और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए फिल्म एक कुरकुरा रन टाइम के साथ मनोरंजक घड़ी के लिए बनाई गई थी और शीर्ष पायदान प्रदर्शन समापन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सेक्शन तीन और दुस्साहसिक प्रयास है यह एक प्रासंगिक फिल्म है जो एक जटिल मुद्दे से निपटती है और जो बहिष्क जोड़ेगी, सूचित करेगी और खुलेगी। व्यापार विश्लेषक और आलोचक आदर्श ने फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं इसे शक्तिशाली के रूप में टैग किया है और अक्षय खन्ना के प्रदर्शन की प्रशंसा की है जिसमें रचा चड्ढा लेखन और निर्देशन उन्होंने कहा है कि एक प्रासंगिक फिल्म जो प्रासंगिक बिंदुओं को उठाती है अनुशासित फर्स्ट पोस्ट की उदिता झुंझुनूवाला ने पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा है कि यह सिनेमोटोग्राफी और संपादन था जिसने फिल्म को वंशनीय गति और मनोदशा में आगे बढ़ाया है मनीष गुप्ता के लेखन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि फिल्म ने तो एक तीखा नैतिक रुख अपनाया है और ना ही बॉलीवुड स्टार कोड रूम हिस्टीरिया का सहारा लिया है बल्कि यह अत्यधिक अवशोषित कथा पर टिक रही है जिसमें चतुराई से मामले के दोनों पक्षों की जांच की और नियम को टाल दिया गया कानून की देवेश शर्मा फेयर रेट्स के लिए एक समीक्षा कर रहे हैं और फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए हैं और उन्होंने लिखा है कि यह फिल्म सार गर्भित और मजाकिया संवादों के साथ एक अच्छी तरह से तैयार की गई है अच्छी तरह से अभिनय करने वाली फिल्म थी उन्होंने अच्छे खन्ना और चड्ढा के प्रदर्शन की प्रशंसा की है लेकिन चरमोत्सव की आलोचना करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि यह आपराधिक मोड बिल्कुल अंत में फिल्म द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को खत्म कर देगी और आपको मुंह में कड़वा स्वाद देती है निर्देशक बहुत चालाक होने की कोशिश कर रहे हैं यह लेकिन यह एक चतुराई फिल्म के बड़प्पन को खा जाती है गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने पाँच में से साढ़े तीन सितारे दिए हैं और मुख्य कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि अच्छे खन्ना और दोनों युद्धरत कानूनी शीर्ष के, के रूप में उन्होंने फिल्म के संपादन की भी प्रशंसा की है और दूसरे भाग को निराशजनक रूप से सुविधाजनक बनाया गया है निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने हालांकि आप इस बात से रोमांचित नहीं हो सकते कि फिल्म कहाँ जा रही है और सही बात यह है कि धारा तीन को निष्पक्ष सुनाई दी जाए और न्यूज अट्ठारह के लिए लेखन राजू मसंद ने फिल्म को स्पष्ट रूप से समूहक कोर्ट रूम ड्रामा करार दिया है और इसे पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए हैं उन्होंने कहा है कि निर्देशक अजय बहल और लेखक मनीष गुप्ता ने एक तीक्षण विचारोत्तक नाटक बनाया है जिसमें सामयिक और मौजूदा स्थिति के प्रति सचेत हैं समापन करते हुए उन्होंने कहा है कि यह एक प्रेरक तर्क के, के साथ एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जो परेशान करने वाली है मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म में रिचा चड्डाजी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है तो वो एक भारतीय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करती हैं और कॉमेडी फिल्म ओ ए लकी में एक छोटी सी भूमिका में शुरुआत करने के बाद 2008 ऋचा चड्ढा को सफलता 2012 में नोयर गंगेस्टर गाथा गेम्स ऑफ वैसुपुर में एक सहायक भूमिका के साथ मिली थी जहां एक गंगेस्टर को भी बेलगाम और अभ्यस्त पत्नी के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था तो फ्रेंड्स इनका जन्म 18 सितंबर 1986 को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है ऋचा चड्ढा के नाम से भी जानते हैं और इनकी शिक्षा सरदार पटेल विद्यालय से हुई थी अल्मा मेटर सेंट स्टीफंस कॉलेज है और इनका व्यवसाय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2008 से वर्तमान तक इनके जीवन साथी हैं अली फजल और 2015 में चड्ढा ने नाटक मसान 2015 के साथ एक प्रमुख भूमिका में अपनी शुरुआत की थी तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो चड्ढा जी का जन्म अठारह दिसंबर उन्नीस को अमृतसर पंजाब में हुआ था उन्होंने 2008 में उन्होंने ग्लैडमस लिया था और मई 2016 में चड्ढा ने एन को दिए गए साक्षात्कार में खुलासा किया था कि वो कई वर्षों से बुल्गारिया में एक खाने का विकार से पीड़ित थी और ग्लैमर मेगा मॉडल की प्रतियोगिता में भाग लिया था नैदानिक मनोचिकित्सक से पेशेवर में मदद लेने के बाद ठीक हो गई थी और पितृसत्ता स्त्री द्वेष और पुरुष दृष्टि की व्यापकता को उसे खाने के विकार के लिए जिम्मेदार ठहराना मनोरंजक के क्षेत्र में जिन्होंने अन्य महिलाओं को अपने स्वयं के खाने और मानसिक विकारों के साथ सार्वजनिक रूप से जानने का आह्वान किया था और सोचने के तरीकों के विनाश का आवाहन किया था जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है वो अली फजल के साथ रिश्ते में रहीं और वो वर्तमान में मुंबई में रहती हैं ऋचा चड्ढा बी आर अम्बेडकर को अपना आइकन मानती हैं और 23 सितंबर 2022 को उसने और फजल ने अपनी आसन शादी की घोषणा की और कहा कि समारोह पर्यावरण के अनुकूल होगा और 4 अक्टूबर 2022 को उन्होंने लखनऊ में एक समारोह में फजल से शादी की है उन्होंने 2014 में अपने पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स के विज्ञापन अभिनय के लिए एक जलपरी के रूप में पोज दिया था जिसमें लोगों को मछली खाने से बचने और शाकाहारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था उसी वर्ष उन्होंने क्लाइमेक्स फैशन वीक के रैप पर वाक किया और ट्रिवियल डिजायर्स नामक एक नाटक में अभिनय किया था तो राजनीतिक सक्रियवादिता में भी भाग लिया है जनवरी 2020 में अभिनेत्री ने मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले तापसी पन्नू जैसे फिल्म बिरादरी के अन्य अभिनेताओं में शामिल होने वाले जे एन यू हमले में पीड़ित छात्रों के साथ एक जुटता की व्यक्त की और इसमें पहले उन्होंने 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया था जब उन्होंने दो परिसरों में छात्र भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे थे तो ऋचा चड्ढा ने महामारी के बीच समाज से सामान्य अच्छी कहानियों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ जून दो में सोशल मीडिया द किडनी बनाया और अभिनेता और उनके दोस्त और उद्यमी कृष्णा जगोता ने एक समर्पित इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया था जहां वे लोगों और उनके सद्भावना के कार्यों का उजागर करेंगी और सार्वजनिक विचार ऋचा चड्ढा जी के सार्वजनिक विचार कैसे थे ऋचा चड्ढा का तर्क ही भारत में धर्म पाखंड में बदल गया और चाहे वो महिलाओं के साथ व्यवहार में हो या त्यौहार के उत्सव में ऋचा चड्ढा ने जोर देकर कहा कि वो धार्मिक नहीं हैं लेकिन उनका आत्मधिकता से गहरा संबंध है और जितना अधिक वो इसका अध्ययन करती हैं उतना ही वो महिलाओं के साथ समाज के लिए व्यवहार से चकित होती हैं ऋचा चड्ढा ने मई 2018 में हिंदुत्व समर्थकों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपील के साथ एक जनहित नोटिस दायर किया था और धर्म के लिए खतरा है हिंदुत्व के समर्थकों से छुटकारा पाए और धर्म बच जाएगा जनहित में इसके बाद ऋचा चड्ढा को दक्षिणाती हिंदू टोल्स से बलात्कार और हत्या की धमकी मिली थी अली फजल के साथ अपने सा अंत धार्मिक संबंध के बारे में रिचा चड्ढा का कहना है कि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके माता पिता प्यार को समझते हैं और उनका मानना है कि एक बार जब आप प्यार की खोज कर लेते हैं तो आपको किसी और चीज की चिंता के बिना इसे बनाए रखना चाहिए और उन्होंने अपना प्यार अली में पाया है चड्ढा ने कहा कि उनके पिता एक पंजाबी हैं और उनकी माँ एक बिहारी हैं। वह एक महान रिश्ते को साझा करते हुए जो इस प्रकार की कट्टरता को अप्रभावित तो हैं और यह कहते हुए कि वो उद्धत किया गया है देखो यह भारत है हम सब बहुमिश्रित हैं मेरी माँ बिहारी है जबकि मेरे पापा पंजाबी हैं और यहाँ मैं आपके सामने बैठी हूँ और नवंबर 2020 में चड्ढा ने माफ़ी मांगी और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के जवाब में किए गए एक विवाद इस पर ट्वीट को हटा दिया गया और अगर भारत सरकार आदेश जारी करती तो भारतीय सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा गेम ऑफ वासुपुरम भाग एक में अभिनय किया था उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि नगमा खातून के इस रूप से भूमिका ने उन्हें ग्यारह फिल्म में भूमिकाएं प्राप्त करने में मदद की और फिल्म की प्रीमियम पैंसठ कान फिल्म समारोह में हुआ था उन्होंने गैंगस्ट ऑफ वासेपुर भाग टू की अगली कड़ी में नगमा खातून के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और फिल्म का प्रीमियम कांस डायरेक्शन पखवाड़े में कॉन्स फिल्म के फेस्टिवल में इसके फिक्वेल के साथ चड्ढा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था चड्ढा की दो की पहली रिलीज मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म फुकरे में आई जिसमें उन्होंने एक कठिन बात करने वाली महिला डान भोली पंजाबन की भूमिका निभाई थी इसके बाद वो अनुराग कश्यप द्वारा निभाई गई एंथोलॉजी फिल्म शार्ट के एक सेगमेंट में एप्लीग में दिखाई दी थी मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी में मानव कॉल ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है वो एक जाने माने भारतीय थिएटर निर्देशक नाटककार लेखक अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं फिल्म तुम्हारी सुलू जो 2017 में आई थी उनकी इस फिल्म में कमाल की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था इनका जन्म 19 दिसंबर 1976 को बारामूला कश्मीर में हुआ था अभी ये मात्र 46 साल के हैं इनका राशि सिंह धनु हैं इनके परिवार में माता पिता और एक भाई मानस गोयल है इसके कोई वह नहीं है इनके ना अभी तक कोई अफेयर की जानकारी है और अभी तक इन्होंने विवाह नहीं किया है इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ़ स्कूल कश्मीर से हुई है और आगे की शिक्षा कहाँ तक की और कहाँ से की इसकी कोई जानकारी नहीं है इन्हें पढ़ने की यात्रा का शौक करने में इनकी कचौड़ी बेहद पसंद है और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़े और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इनके पसंदीदा कलाकार लद्दाख और थाईलैंड जैसे खूबसूरत जगह घूमना इन्हें बेहद पसंद है इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी हाइट पाँच फीट चार इंच है और एक सौ तिहत्तर सेंटीमीटर यानी कि वन पॉइंट तिहत्तर मीटर है वेट पचहत्तर की ग्रह और एक सौ पैंसठ पाउंड है बॉडी मेजरमेंट्स और की बात करें तो इनका चेस्ट चालीस इंच कमर बत्तीस इंच और बाई सस्पेंस तिहत्तर इंच है देखने में दुबले पतले हैं पर काफ़ी फिट हैं इसके बालों का रंग काला और आँखों का रंग भूरा है जो इनके लुक को और ज़्यादा अट्रेक्टिव बनाता है आइए जानते हैं इनकी फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म डेब्यू जजंता राम ममता राम से की थी ये फिल्म 2003 में आई और इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी मानव कौल की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 2003 से 2021 में कई फिल्मों की जिनमें से कुछ फिल्में डायबुक 2021 साइना 2021 मैडम चीफ मिनिस्टर 2021 बारह ओ क्लाक दो हज़ार इक्कीस थप्पड़ दो हजार बीस बदला दो हज़ार उन्नीस तुम्हारी सोलू दो हज़ार सत्रह ए स्कैंडल दो हज़ार सोलह और जय गंगाजल दो हजार सोलह आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं मानव अपने परिवार के साथ कश्मीर में रहते थे लेकिन नब्बे के दशक में हुए दंगों के दौरान ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शिफ्ट हो गए थे शिफ्ट होने के बाद इनकी ख़राब वित्तीय स्थिति के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इनके माता पिता ने चाय की दुकान या पान की दुकान खोलने के लिए कहा था ये अपने मुश्किल समय में अब अपने बचपन के दोस्त के साथ भक्तों द्वारा फेंके गए पैसे की तलाश में नर्मदा नदी में डुबकी लगाते थे वहाँ एक कोच ने इन्हें देखा और इनकी तैराकी से प्रसन्न आ गए और इन्होंने इनके मार्गदर्शन से इन्हें भोपाल में दो साल के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए चुना गया था जहाँ उन्होंने थिएटर नाटकों में रुचि विकसित की और इसके बाद वे मुंबई चले गए थे और मंच निर्देशन नाटक लेखन और अभिनय किया था उन्होंने 2006 में अपने नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट पुरस्कार के लिए मेटा पुरस्कार जीता था और इन्होंने 2012 में अपनी पहली फिल्म हंसा का निर्देशन किया था जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑडियंस ओट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला था 2013 में इन्हें फिल्म पोचे में सफल भूमिका मिली जहां उन्होंने एक राजनेता की भूमिका निभाई और काफ़ी फेमस हुए थे इनकी कमाई की बात करें तो ये लगभग एक से पाँच मिलियन और नेटवर्थ तीस मिलियन है जो भारतीय मुद्रा में लगभग इक्कीस करोड़ रुपये है मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर जी ने तो सुभाष कपूर एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पठक कथा लेखक हैं वो एक राजनीतिक पत्रकार और बाद में चरण गए ओबामा 2010 और जाली एल एल वी दो हज़ार तेरह और जाली एल एल बेटू दो हज़ार सत्रह जैसे व्यंग्य हास्य नाटकों को निर्देशित करने के लिए जाने जाते हैं तो हिंदी साहित्य में अपनी एम ए की डिग्री पूरी करने के बाद कपूर ने 1990 के दशक में उत्तर भारत में कावर करते हुए दिल्ली में एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था इसके बाद जब उसकी लघु फिल्म ने उन्हें 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यवसायिक लघु फिल्में वृत्तवर्ती और विज्ञापन फिल्में उन्होंने 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यवसायिक लघु फिल्में वृत्तबत्ती और विज्ञापन फिल्में बनाना शुरू कर दिया था और 2006 में मुंबई में आधार स्थानांतरित कर लिया था और 2007 में कपूर ने सय सलाम इंडिया के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और दो में उन्होंने अपने दूसरे उद्यम एक व्यंग फंस गए रे ओबामा का निर्देशन किया था जिसमें कई कॉमेडियन शामिल थे फिल्म भारत में एक अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ व्यावसायिक सफलता की भी प्राप्ति की थी फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के कारण कपूर ने अपना अगला प्रोजेक्ट लिखना शुरू किया था और 2013 में कपूर ने जाली एलएलबी रिलीज किया और जिसमें अरशद वारसी अमृता राव और बोमन ईरानी थे यह एक कार्मिक टच के साथ एक कोर्ट रूम ड्रामा है फिल्म 15 मार्च 2013 में रिलीज हुई थी वो जाली एलएलबी के सीक्वल जाली एलएलबी 2 के लेखक निर्देशक भी हैं जिसमें अक्षय कुमार हुमा कुरैसी अन्नू कपूर सौरभ शुक्ला ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और 2010 हजार फरवरी और 2017 को जबरदस्त आलोचनात्मक प्रशंसाएं और बॉक्स ऑफिस नंबरों के साथ रिलीज हुई थी यह दुनिया भर में कुल बॉक्स ऑफिस की कमाई 200 करोड़ रुपए से अधिक थी तमाम विवादों के बीच निर्देशक सुभाष कपूर की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर कोरोना काल में आज थिएटर में रिलीज हुई माना जा रहा है कि फिल्म रीचा चड्ढा का रोल बसपा नेता मायावती से मिलता जुलता रहा है हालांकि फिल्म की शुरुआत में ही एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दिया गया था यह फिल्म की कहानी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे सुभाष कपूर दलित महिला लीडर के निजी और राजनीतिक जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं और ऐश्वर्य के दर्शन में कामयाब रहे हैं उनके सीधे साधे हुए निर्देशन में ऋचा चड्ढा का लाजवाब अभिनय ने सोने पर सुहागा वाला काम करती हैं कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नीस के उस दौर से जहां दलित दूल्हे की बारात में ठाकुरों का परिवार महज इसीलिए गोलाबारी कर देता था कि क्योंकि दलित ने ठाकुरों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़ने का ऐसा दुस्साहस किया था जिसका सर्वाधिकार ठाकुर अपने लिए मानते हैं गोलाबारी में बीच बचाव करते हुए रूप मारा गया था और उसी वक्त उसके घर एक बेटी पैदा होती है बेटी की माँ अपनी सास से मिनतें करती है कि वो उसकी इस बच्ची को पिछली बेटियों की तरह जहर चटाकर न मारे फिल्म का दूसरा सीन 2005 का है जहाँ वो बच्ची तारा यानी कि रीचा चड्डा बेबाक विंदाश निडर और पढ़ी लिखी टाम बायस लड़की के रूप में जवान हो चुकी है तो ऊंची जात के युवा नेता इंदू त्रिपाठी यानी कि अच्छे ओबराय से प्रेम करती है वो इंदू से शादी करने के सपने देखती है मगर तभी उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जाना माना दलित नेता मास्टर जी सौरभ शुक्ला उसे तूफान से बचाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर लेता है इसके बाद सीएम बनने तक का सफर शुरू होता है इस सफर में जातिवाद विश्वासघात षडयंत्र से भरा राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आता है निर्देशक सुभाष कपूर का निर्देशन कसा हुआ है वे चरित्रों को कहानी और विषय के अनुरूप गढ़ने में सफल रही फिल्म का स्क्रीन प्ले परिवेश को मजबूती प्रदान करता है वे अपनी कहानी में लिंगवेद जातिवाद सत्ता की भूख जैसे कई मुद्दों को उजागर करते हैं मध्यांतर तक फिल्म परत दर परत थ्रिलर अंदाज में चौंकाती है मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है सेकंड हाफ में राजनीतिक दांव पेच के बजाय तारा के व्यक्तिगत जीवन का पर फोकस किया जाता है क्लाइमेक्स दमदार है फिल्म के संवाद चुटकुले हैं और यूपी में जो मेट्रो बनाता है वो हारता है और जो मंदिर बनाता है वो जीतता है मैं कुमारी हूँ तेज कटारी हूँ लेकिन तुम्हारी हूँ जैसे कई डायलॉग याद आ जाते हैं जैश नायर की सिनेमोटोग्राफिक कहानी को विश्वसनीय बनाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है शुक्र में फिल्म में बेवजह गाने नहीं ठूसे गई हैं मंगेश धाकड़े के संगीत में स्वानंद किरकिरे का गाया गया गाना चिड़ी चिड़ी कहानी के अनुरूप है इस क्रूर राजनीतिक ड्रामा को दर्शाया और बनाया गया है ऋचा चड्ढा का दमदार अभिनय अगर ये कहा जाए कि यह ऋचा के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है तो गलत ना होगा फिल्म की शुरुआत में उनके बायकॉट बालों वाला लुक थोड़ी उलझन पैदा करता है मगर कुछ ही मिनटों के बाद किरदार में इस लुक को घनंद मिल जाती है कि दर्शक उस लुक को भूल उनकी कॉन्टेस्ट को धोखा खा जाती हैं और दलित लड़की का सी के रूप में ट्रांसफेंशन गजब का है ऋचा ही नहीं तमाम कलाकारों का अभिनय फिल्म का सारा सख्त पहलू है और मास्टर जी के रूप में सौरभ शुक्ला दिल जीत लेते हैं इनके और ऋचा के बीच एक दृश्य फिल्म के हाईलाइट बन पड़े हैं हिंदू के इंदु त्रिपाठी के रूप में अक्षय ओबराय और दानिश खान के रोल में मानो कौल ने सशक्त उपस्थिति दर्शाई है और सत्ता लोल नेता के किरदार में सुब्रा ज्योति जमे हैं सहयोगी कास्ट परफेक्ट हैं और इस फिल्म में इस खूबसूरत गाने चिड़ी चिड़ी के रिलैक्स मैसूर गीतकार दुष्यंत ने लिखे हैं क्यों देखें पॉलिटिक ड्रामा के शौकीन और कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्म देखी जा सकती है और आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं तो इसके लिए कागज की ज़रूरत होती है इन कागजों के बिना आपका कोई काम नहीं होता लेकिन अगर इन कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया जाए तो आप जीते जी कोई भी काम नहीं कर सकते इस एक सरकारी आवाज़ की असीमियत बताने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म कागज फिल्म लाल बिहारी मृतक नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जिन्होंने 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद खुद को जीवित साबित कर दिया था यूपी के खलीलाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला भारत लाल पंकज त्रिपाठी एक वर्ण मास्टर है जो अपनी पत्नी रुकमणी एम मोनल गज्जर और बच्चों के साथ सुख से रह रहा है भारत लाल की पत्नी रुकमणी अपने अपना काम और बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए सलाह लेती है जब भारत लाल बैंक जाता है तो लोन के बदले उसे गिरवी रखने के लिए ज़मीन के कागजात मांगे जाते हैं भारत लाल अपनी जमीन के कागजात लेने जाता है यह तो जानकर हैरान रह जाता है कि कागजों के मुताबिक वो मर चुका है और उसकी जमीन उसके चाचा बेटों को बांट दी गई है इसके बाद शुरू होता है भारत का लंबा संघर्ष जिसमें वो लेखपाल से लेकर प्रधानमंत्री और कोर्ट के चक्कर काटता है भारत लाल की मदद के लिए आगे आते हैं साधु केवट वकील सतीश कौशुक जो अंत की उम्मीद मदद करती हैं और भारतलाल अपने नाम के आगे मृतक लगा लेता है और उसके साथ पूरे प्रदेश के ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्होंने कागजों में मृत घोषित कर दिया है इस लंबे संघर्ष के बाद भारत लाल का काम धंधा बंद हो जाता है और परिवार साथ छोड़ देता है लेकिन भारत लाल हार नहीं मानता 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारत कैसे का कागजों में खुद को जीवित करता है और इसी संघर्ष की कहानी है कागज फिल्म का रिव्यू में गांव के सरपंच में एक डायलॉग बोलता है कि इस देश में राज्यपाल से भी बड़ा लेखपाल होता है इसके लिखे कोई नहीं मिटा सकता ये आज भी हमारी व्यवस्था की सच्चाई है देश भर में गांव देहातों में आज भी भारत लाल जैसे जिंदा मरे हुए हैं जो लोग घूम रहे हैं लोग पूरी ज़िंदगी अदालतों के चक्करों काटते हैं लेकिन कभी खुद को जीवित साबित नहीं कर पाते हैं कागजों में मरने के बाद वास्तव में मर जाते हैं डायरेक्टर सतीश कौशिक फिल्म को बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में शुरू करते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ ये फिल्म बेहद सीरियस होती जाती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो आप भारत लाल की पीड़ा और जीत को गहराई से समझने लगती है फिल्म संघर्ष के जज्बे की पॉजिटिव संदेश भी देती है हालांकि फिल्म कभी भी बहुत धीमी लगने लगती है लेकिन भरत लाल ने नए हथकंडे के लिए फ्रेंड्स इस फिल्म के निर्देशक हैं सुभाष कपूर और इस फिल्म को लिखा है सुभाष कपूर ने फ्रेंड्स इस फिल्म को उत्पादित किया भूषण कुमार कृष्ण कुमार और नारायण कुमार और डिंपल खरवंदा ने और इस फिल्म को अभिनित करने वाले हैं रचा चड्ढा और मानो कौल और इस फिल्म का छायांकन किया है जयेश नायर ने और इस फिल्म को संपादित किया है चंद्रशेखर प्रजापति ने और इस फिल्म में संगीत दिया है मंगनीश धाकड़ ने और उत्पादन कंपनी है टी सीरीज फिल्म्स ए एक कनाडा टाकज प्रोडक्शन और इस फिल्म को वितरित किया है ए, ए मूवीज ने तो फ्रेंड्स इस फिल्म को रिलीज किया गया था 22 जनवरी 2021 को देश भारत भाषा हिंदी और अंग्रेजी अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 0.5 मिलियन तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को स्टार्ट करते हैं तो इस फिल्म में मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी बताती हैं जो एक निचली जाति की युवती हैं जो अपने समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती हैं और वो एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती हैं और रैंकों के माध्यम से अपना काम करती हैं अंततः एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती हैं और अपनी बुद्धिमता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से भेदभाव और पूर्व ग्रह का सामना करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता के लिए एक बाधा के रूप में देखती हैं और चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती हैं और जब वो अवसर आता है तो वो इसे दोनों हाथों से लपक लेती हैं और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी होती हैं और जीत जाती हैं राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती हैं हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई इसकी चुनौती के बिना नहीं है और वो उसे अपनी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना करना पड़ता है व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उनके प्रेमी के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य है और फिल्म भारतीय राजनीति की जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है जिसमें जाति का व्यापक प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं जो अक्सर राजनीतिक जीवन की एक विशेषता है यह सत्ता के पदों पर महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करती है जिन्हें पुरुष प्रधान दुनिया को निगेटिव करना चाहिए और पूर्वग्रहों और भेदभाव को दूर करना चाहिए तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो मुख्यमंत्री तारा स्वरूप राम के रूप में चिचा चट, चड्ढा दानिश की पत्नी और इंद्रमणि की पूर्व प्रेमिका हैं दानिश रहमान खान के रूप में मानो कौल और तारा के पति और शशि के मंगेतर हैं इंद्रमणि इंद्र त्रिपाठी के रूप में अच्छे ओबराय और तारा का पूर्व प्रेमी और दुश्मन जिसने उसे तब तक छोड़ दिया और उसका इस्तेमाल किया जब दो बार अपने बच्चे द्वारा गर्भवती हुई थी और सुरेश शुक्ला मिनिस्टर सुभाष रंजन हैं और सुभ्रा ज्योति वरात अरविंद सिंह के रूप में हैं और बबलू के रूप में निखिल विजय हैं और सुंदर के रूप में बोलोराम दास हैं और संगम हैं और रविजा चौहान दानिश के मंगेतर शशि राय के रूप में सुशील शुक्ला अंसारी के रूप में हैं और विवेक यादव हैं हत्यारी के रूप में राजवर्धन पांडे हैं तो इस फिल्म में संगीत दिया है मंगेश धाकर द्वारा रचित जबकि गीत दुष्यंत द्वारा लिखे गए हैं और इस फिल्म में कुल एक ही गाना है जो इस प्रकार है चिड़ी चिड़ी इसको गाया है सावंत किरकिरे ने तो फिल्म को रौनक कोटेजा ने पाँच में से तीन स्टार दिए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन किया है मैडम चीफ मिनिस्टर को एक मनोरंजक राजनीतिक ड्रामा होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध पीड़ित गलियारों से स्थापित है और दलित महिला को नहीं चुनने के लिए इस फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई थी और अभिनेता ने अफसोसजनक और पूरी तरह से अनजाने निरीक्षण का जवाब दिया था धारा तीन के रूप में जाना जाता है अजय बहल द्वारा निर्देशित दो की भारतीय हिंदी भाषा की कानूनी ड्रामा फिल्म है जिसे मनीष गुप्ता द्वारा लिखा गया और कुमार मंगन पाठक द्वारा निर्मित है और अभिषेक पाठक और यह भारत में भारतीय दंड संहिता कानूनों की धारा तीन पर आधारित है इस फिल्म में अक्षय खन्ना रचा चड्ढा मीरा चोपड़ा ने अभिनय किया है और राहुल भट्ट फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी जनवरी दो में शुरू हुई थी तो यह फिल्म 13 सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी और फिल्म में पहले दिन कम से ओपनिंग की और बॉक्स ऑफिस पर औसत घोषित की गई थी उल्लेखनीय है यह फिल्म की निर्देशक रोहन खुराना और राहुल भट्ट को सहायक पोशाक डिजाइन अंजलि डांगले यानी कि मीरा चोपड़ा द्वारा बलात्कार का आरोप लगाने के बाद एक सत्र अदालत ने गिरफ्तार कर लिया और दोषी ठहराया है उच्च न्यायालय में वरिष्ठ और प्रतिभाशाली आपराधिक वरिष्ठ तरुणा सलूजा यानी कि अच्छे खन्ना और अभियुक्त के दावे में छेद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ही। जबकि हीरल गांधी यानी कि रिचा चड्ढा एक यूटोपेरियन और उत्साही वकील अपना पहला बड़ा किस्त लड़ रही हैं जो कभी सलूजा की ट्रेन थी और दावा किए गए कि पीड़ित के अभियोजक और बचाव पक्ष के बैरिस्टर के रूप में कार्य करते हैं और तरुण और अपने सिद्धांत से चलते हैं कानून एक तथ्य है न्याय अमूर्त और उनका मानना है कि वो एक वकील को किसी मामले में भावात्मक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए या नैतिक बहस में नहीं पड़ना चाहिए प्लेस में एक संगोष्ठी में हिरल ने भी भाग लिया और वो अनुमान लगाता है कि उचित बचाव के बिना न्याय कैसे छूट जाता है ये देखते हुए कि न्याय की खोज और कुछ नहीं बल्कि बचाव पक्ष के वकील अभियोजन पक्ष और न्यायाधीशों के लिए भी एक करियर का अवसर है वो अपनी पंक्ति में हम कानून के व्यवसाय में हैं और न्याय के नहीं के साथ इसका सारांश देते हुए ये पूरी तरह से हिरल के रवैये के विपरीत है क्योंकि वो न्याय देने के अपने प्रयास में लगन में शामिल हो जाती हैं इसी वजह से उन्हें पिछले दिनों तरुण की ला फर्म छोड़नी पड़ती है तरुण ने अपने जिर में सबूतों से छेड़छाड़ झूठ या मुख्य गवाहों के द्वारा छिपाए गए तथ्यों का पर्दाफाश किया है और वो इस सिद्धांत का प्रस्ताव करता है कि अंजलि का रोहन के साथ सहमति से संबंध था जो उसकी नौकरी को बनाए रखने के लिए दबाव से शुरू हुआ था लेकिन समय के साथ वो भावात्मक रूप से रिश्ते में शामिल हो गई है बाद में जब उसे पता चला कि रोहन केवल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी रखता है जबकि वो उससे अपने जीवन साथी होने की उम्मीद कर रही थी जो इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक बड़ी बहस होती है रोहन उसका अपमान करता है और उसे बताता है कि उसके बिना उसका करियर खत्म हो गया है बाद में रोहन ने उसे अपने दूसरे फ्लैट से बाहर निकाल दिया जहाँ उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और कुछ दिनों के बाद अंजलि रोहन से माफ़ी मांगती है और वे अपने रिश्ते को फिर से शुरू करते हैं बाद में दिन में वो इस घटना को पुलिस को बलात्कार के रूप में रिपोर्ट करती है और इस बात पर जोर देते हुए कि ये अफेयर के खराब होने का मामला है तरुण बताते हैं कि कानूनी सहमति से शारीरिक संबंधों को बलात्कार नहीं माना जाता हीरल का तर्क है कि भले ही किसी जोड़े के अतीत में सहमति से संबंध रहे हों लेकिन बाद में लड़की की सहमति के बिना कोई भी यौन संबंध बलात्कार नहीं है मामला दंड संहिता तीन सौ पचहत्तर के कानूनी प्रावधानों पर विवाद करता है जो उन रिश्तों के माध्यम से परिभाषित करता है जिनके तहत यौन अपराध को बलात्कार के रूप में परिभाषित किया जाता है न्यायाधीशों की एक कठिन स्थान पर रखा गया है क्योंकि एक ओर यह स्पष्ट है कि अंजलि ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह मामला दायर किया था और दूसरी ओर एक मजबूत सार्वजनिक धारणा की कि अमीर और प्रभावशाली लोग वंचितों का शोषण कर रहे हैं दोनों न्यायाधीश अपने कक्ष में मामले पर विचार विमर्श करते हैं और परिस्थितिजनक साची स्पष्ट रूप से नकली बलात्कार के आरोपों को की ओर इशारा करते हुए तरुण के पक्ष में एक निर्णय उनकी साख पर बुरी तरह से प्रतिबंधित होगा न्यायाधीशों में से एक बालकनी से झांकता है और अभियुक्तों के नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं विरोध को देखते हैं और यह है स्पष्ट है कि उनका निर्णय क्या होगा बीच में फैसला सुनाते समय तरुण द्वारा प्रस्तुत मामले की योग्यता को स्वीकार करती है लेकिन जनता की भावना बेच को किताब के अनुसार शक्ति से जानने और लोकप्रिय राय के अनुरूप निर्णय देने के लिए मजबूर करती है न्यायाधीश सत्र न्याल न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं जिसमें कहा गया है कि चूंकि इस विशेष घटना के लिए सहमति या वल का कोई सबूत नहीं है इसीलिए पीड़िता के बयान को सर्वपरि साक्ष्य माना जाता है रोहन की पत्नी कैनाज और चली जाती है तरण रोहन से वादा करता है कि वो तुरंत हाई कोर्ट का दावा करके उसका दरवाजा खटखटाएगा और रोहन को जेल से लाएगा और अंजलि रियल से गुप्त रूप से कबूल करती है कि तरुण से अदालत में जो कहा था वो सच था और उसने रूह से बदला लेने के लिए ऐसा किया है हिरल इससे चौंक जाता है और बाद में तरुण के परिवार द्वारा उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है तरुण ने एक बार फिर उसे याद दिलाया कि हम फिल्म का पहला पोस्टर इसके निर्माताओं द्वारा 7 अगस्त 2019 को जारी किया गया था इससे 5 सितंबर को खन्ना को प्रस्तुत करने वाला एक डायलॉग प्रेमो जारी किया गया था फिल्म का प्रीमियम 7 सितंबर 2019 को सिंगापुर साउथ इंटरनेशनल इन, फिल्म फेस्टिवल में किया गया था और यह फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म थी और इसे सराहनाएं भी मिली हैं ये फिल्म 11 सितंबर 2019 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी इस फिल्म को समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट डॉट इंटेमेटोस पर फिल्म 11 समीक्षाओं के आधार पर 64% की रेटिंग रखती है जिसकी औसत रेटिंग दस में से सात है द टाइम ऑफ इंडिया के श्रीपर्णा सेन गुप्ता ने फिल्म को पांच में से चार सितारे दिए हैं और अक्षय खन्ना रचा चड्डा और राहुल भट्ट और किशोर कदम की पटक कथा संवाद और प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए फिल्म एक कुरकुरा रन टाइम के साथ मनोरंजक घड़ी के लिए बनाई गई थी और शीर्ष पायदान प्रदर्शन समापन करते हुए उन्होंने लिखा है कि कुल मिलाकर सेक्शन तीन और दुस्साहसिक प्रयास है यह एक प्रासंगिक फिल्म है जो एक जटिल मुद्दे से निपटती है और जो बहिष्क जोड़ेगी, सूचित करेगी और खुलेगी। व्यापार विश्लेषक और आलोचक ने फिल्म को पाँच में से चार सितारे दिए हैं इसे शक्तिशाली के रूप में टैग किया है और अक्षय खन्ना के प्रदर्शन की प्रशंसा की है जिसमें रचा चड्ढा लेखन और निर्देशन उन्होंने कहा है कि एक प्रासंगिक फिल्म जो प्रासंगिक बिंदुओं को उठाती है अनुशासित फर्स्ट पोस्ट की उदिता झुंझुनूवाला ने पाँचवें से साढ़े तीन स्टार दिए और कहा है कि यह सिनेमोटोग्राफी और संपादन था जिसने फिल्म को वंशनीय गति और मनोदशा में आगे बढ़ाया है मनीष गुप्ता के लेखन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि फिल्म ने तो एक तीखा नैतिक रुख अपनाया है और ना ही बॉलीवुड स्टार कोड रूम हिस्टीरिया का सहारा लिया है बल्कि यह एक अत्यधिक अवशोषित कथा पर टिक रही है जिसमें चतुराई से मामले के दोनों पक्षों की जांच की और नियम को टाल दिया गया कानून की देवेश शर्मा फिल्म फेयर रेट्स के लिए एक समीक्षा कर रहे हैं और फिल्म को पाँच में से तीन सितारे दिए हैं और उन्होंने लिखा है कि यह फिल्म सार गर्भित और मजाकिया संवादों के साथ एक अच्छी तरह से तैयार की गई है अच्छी तरह से अभिनय करने वाली फिल्म थी उन्होंने अच्छे खन्ना और चड्ढा के प्रदर्शन की प्रशंसा की है लेकिन चरमोत्सव की आलोचना करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि यह आपराधिक मोड बिल्कुल अंत में फिल्म द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों को खत्म कर देगी और आपको मुंह में कड़वा स्वाद देती है निर्देशक बहुत चालाक होने की कोशिश कर रहे हैं यह लेकिन यह एक चतुराई फिल्म के बड़प्पन को खा जाती है गल्फ न्यूज की मंजूषा राधाकृष्णन ने पाँच में से साढ़े सितारे दिए हैं और मुख्य कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि अच्छे खन्ना चड्ढा दोनों युद्धरत कानूनी सलाहकारों के रूप में शीर्ष के रूप में उन्होंने फिल्म के संपादन की भी प्रशंसा की है और दूसरे भाग को निराशजनक रूप से सुविधाजनक बनाया गया है निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने हालांकि आप इस बात से रोमांचित नहीं हो सकते कि फिल्म कहाँ जा रही है और सही बात यह है कि धारा तीन को निष्पक्ष सुनाई दी जाए और न्यूज अट्ठारह के लिए लेखन राजू मसंद ने फिल्म को स्पष्ट रूप से समूहक कोर्ट रूम ड्रामा करार दिया है और इसे पाँच में से साढ़े तीन स्टार दिए हैं उन्होंने कहा है कि निर्देशक अजय बहल और लेखक मनीष गुप्ता ने एक तीक्षण विचारोत्तक नाटक बनाया है जिसमें सामयिक और मौजूदा स्थिति के प्रति सचेत हैं समापन करते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक प्रेरक तर्क के, के साथ एक अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म है जो परेशान करने वाली है मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म में रिचा जी ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है तो उनके द्वारा निभाया गया रोल दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है तो वो एक भारतीय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो हिंदी सिनेमा में काम करती हैं और कॉमेडी फिल्म ओ ए लकी में एक छोटी सी भूमिका में शुरुआत करने के बाद दो ऋचा चड्ढा को सफलता 2012 में नोयर गैंगेस्टर गाथा गेम्स ऑफ वैसुपुर में एक सहायक भूमिका के साथ मिली थी जहां एक गैंगेस्टर कोई बेलगाम और अभ्यस्त पत्नी के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया था तो फ्रेंड्स इनका जन्म 18 सितंबर 1986 को अमृतसर पंजाब भारत में हुआ था इनको अन्य नामों से भी जाने जाता है ऋचा चड्ढा के नाम से भी जानते हैं और इनकी शिक्षा सरदार पटेल विद्यालय से हुई थी अल्माेटर सेंट स्टीफंस कॉलेज है और इनका व्यवसाय अभिनेत्री निर्माता और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2008 से वर्तमान तक इनके जीवन साथी हैं अली फजल और 2015 में चड्ढा ने नाटक मसान 2015 के साथ एक प्रमुख भूमिका में अपनी शुरुआत की थी तो आइए जानते हैं इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में तो चड्ढा जी का जन्म अट्ठारह दिसंबर उन्नीस को अमृतसर पंजाब में हुआ था उन्होंने 2008 में उन्होंने ग्लैडमस लिया था और मई 2016 में चड्डा ने एन को दिए गए साक्षात्कार में खुलासा किया था कि वो कई वर्षों से बुल्गारिया में एक खाने का विकार से पीड़ित थी और ग्लैमर मेगा मॉडल की प्रतियोगिता में भाग लिया था नैदानिक मनोचिकित्सक से पेशेवर में मदद लेने के बाद ठीक हो गई थी और पितृसत्ता स्त्री द्वेष और पुरुष दृष्टि की व्यापकता को उसे खाने के विकार के लिए जिम्मेदार ठहराना मनोरंजक के क्षेत्र में जिन्होंने अन्य महिलाओं को अपने स्वयं के खाने और मानसिक विकारों के साथ सार्वजनिक रूप से जानने का आह्वान किया था और सोचने के तरीकों के विनाश का आह्वान किया था जिसमें महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है वो अली फजल के साथ रिश्ते में रहीं और वो वर्तमान में मुंबई में रहती हैं ऋचा चड्ढा बी आर अम्बेडकर को अपना आइकन मानती हैं और 23 सितंबर 2022 को उसने और फजल ने अपनी आसन शादी की घोषणा की और कहा कि समारोह पर्यावरण के अनुकूल होगा और 4 अक्टूबर 2022 को उन्होंने लखनऊ में एक समारोह में फजल से शादी की है उन्होंने 2014 में अपने पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स के विज्ञापन अभिनय के लिए एक जलपरी के रूप में पोज दिया था जिसमें लोगों को मछली खाने से बचने और शाकाहारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया था उसी वर्ष उन्होंने क्लाइमैक्स फैशन वीक के रैप पर वॉक किया और ट्रिवियल डिजायर्स नामक एक नाटक में अभिनय किया था तो राजनीतिक सक्रियवादिता में भी भाग लिया है जनवरी 2020 में अभिनेत्री ने मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले तापसी पन्नू जैसे फिल्म बिरादरी के अन्य अभिनेताओं में शामिल होने वाले जेएनयू हमले में पीड़ित छात्रों के साथ एक जुटता की व्यक्त की और इसमें पहले उन्होंने 15 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया था जब उन्होंने दो परिसरों में छात्र भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे थे तो ऋचा चड्डा ने महामारी के बीच समाज से सामान्य अच्छी कहानियों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ जून 2021 में सोशल मीडिया द किडनी बनाया और अभिनेता और उनके दोस्त और उद्यमी कृष्णा जगोता ने एक समर्पित इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया था जहां वे लोगों और उनके सद्भावना के कार्यों का उजागर करेंगी और सार्वजनिक विचार ऋचा चड्ढा जी के सार्वजनिक विचार कैसे थे ऋचा चड्ढा का तर्क ही भारत में धर्म पाखंड में बदल गया और चाहे वो महिलाओं के साथ व्यवहार में हो या त्यौहार के उत्सव में ऋचा चड्ढा ने जोर देकर कहा कि वो धार्मिक नहीं हैं लेकिन उनका आत्मधिकता से गहरा संबंध है और जितना अधिक वो इसका अध्ययन करती हैं उतना ही वो महिलाओं के साथ समाज के लिए व्यवहार से चकित होती हैं ऋचा चड्ढा ने मई 2018 में हिंदुत्व समर्थकों से हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपील के साथ एक जनहित नोटिस दायर किया था और धर्म के लिए खतरा है हिंदुत्व के समर्थकों से छुटकारा पाए और धर्म बच जाएगा जनहित में इसके बाद ऋचा चड्ढा को दक्षिणाती हिंदू टोल्स से बलात्कार और हत्या की धमकी मिली थी अली फजल के साथ अपने सा अंत धार्मिक संबंध के बारे में रिचा चड्ढा का कहना है कि दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनके माता पिता प्यार को समझते हैं और उनका मानना है कि एक बार जब आप प्यार की खोज कर लेते हैं तो आपको किसी और चीज़ की चिंता के बिना इसे बनाए रखना चाहिए और उन्होंने अपना प्यार अली में पाया है चड्ढा ने कहा कि उनके पिता एक पंजाबी हैं और उनकी माँ एक बिहारी हैं वह एक महान रिश्ते को साझा करते हुए जो इस प्रकार की कट्टरता को अप्रभावित हैं और यह कहते हुए कि वो उद्धत किया गया है देखो यह भारत है हम सब बहुमिश्रित हैं मेरी माँ बिहारी है जबकि मेरे पापा पंजाबी हैं और यहाँ मैं आपके सामने बैठी हूँ और नवंबर 2020 में चड्ढा ने माफी मांगी और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान के जवाब में किए गए एक इस पर ट्वीट को हटा दिया गया और अगर भारत सरकार आदेश जारी करती तो भारतीय सेना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने के लिए तैयार है 2012 में उन्होंने अनुराग कश्यप की क्राइम ड्रामा गैम ऑफ वासुपुर भाग एक में अभिनय किया था उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि नगमा खातून के इस रूप से भूमिका ने उन्हें ग्यारह फिल्म में भूमिकाएं प्राप्त करने में मदद की और फिल्म की प्रीमियम पैंसठ कान फिल्म समारोह में हुआ था उन्होंने गैंगस ऑफ वासेपुर भाग टू की अगली कड़ी में नगमा खातून के रूप में अपनी भूमिका दोहराई और फिल्म का प्रीमियम कांस डायरेक्शन पखवाड़े में कांस फिल्म के फेस्टिवल में इसके फिक्वेल के साथ चड्ढा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया था चड्ढा की दो की पहली रिलीज मृगदीप सिंह लांबा द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म फुकरे में आई जिसमें उन्होंने एक कठिन बात करने वाली महिला डान भोली पंजाबन की भूमिका निभाई थी इसके बाद वो अनुराग कश्यप द्वारा निभाई गई एंथोलॉजी फिल्म शार्ट के एक सेगमेंट में एप्लीग में दिखाई दी थी मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी में मानो कॉल ने अपने रोल को बखूबी प्ले किया है वो एक जाने माने भारतीय थिएटर निर्देशक नाटककार लेखक अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं फिल्म तुम्हारी सुलू जो 2017 में आई थी उनकी इस फिल्म में कमाल की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था इनका जन्म उन्नीस 19 दिसंबर उन्नीस को बारामूला कश्मीर में हुआ था अभी ये मात्र छियालीस साल के हैं इनका राशि सिंह धनु हैं इनके परिवार में माता पिता और एक भाई मानस गोयल है इसके कोई वह नहीं है इनके ना अभी तक कोई अफेयर की जानकारी है और अभी तक इन्होंने विवाह नहीं किया है इनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल कश्मीर से हुई है और आगे की शिक्षा कहाँ तक की और कहाँ से की इसकी कोई जानकारी नहीं है इन्हें पढ़ने की यात्रा का शौक करने में इनकी कचौड़ी बेहद पसंद है और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़े और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इनके पसंदीदा कलाकार लद्दाख और थाईलैंड जैसे खूबसूरत जगह घूमना इन्हें बेहद पसंद है इनकी शारीरिक बनावट की बात करें तो इनकी हाइट पाँच फीट चार इंच है और एक सौ तिहत्तर सेंटीमीटर यानी कि वन पॉइंट तिहत्तर मीटर है वेट पचहत्तर की ग्रह और एक सौ पैंसठ पाउंड है बॉडी मेजरमेंट्स और की बात करें तो इनका चेस्ट चालीस इंच कमर बत्तीस इंच और बाई सस्पेंस तिहत्तर इंच है देखने में दुबले पतले हैं पर काफ़ी फिट हैं इसके बालों का रंग काला और आँखों का रंग भूरा है जो इनके लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है तो आइए जानते हैं इनकी फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म डेब्यू जजंता राम ममंता राम से की थी ये फिल्म 2003 में आई और ये इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी मानो कौल की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 2003 से 2021 में कई फिल्मों की जिनमें से कुछ फिल्में डायबुक दो हजार इक्कीस साइना दो हजार इक्कीस मैडम चीफ मिनिस्टर दो हजार इक्कीस बारह ओ क्लाक दो हजार इक्कीस थप्पड़ दो हजार बीस बदला दो हजार उन्नीस तुम्हारी सोलू दो हजार सत्रह ए स्कैंडल 2016 और जय गंगा जल दो आदि इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं मानव अपने परिवार के साथ कश्मीर में रहते थे लेकिन नब्बे के दशक में हुए दंगों के दौरान ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में शिफ्ट हो गए थे शिफ्ट होने के बाद इनकी ख़राब वित्तीय स्थिति के कारण इन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था इनके माता पिता ने चाय की दुकान या पान की दुकान खोलने के लिए कहा था ये अपने मुश्किल समय में अपने बचपन के दोस्त के साथ द्वारा फेंके गए पैसे की तलाश में नर्मदा नदी में डुबकी लगाते थे वहां एक कोच ने इन्हें देखा और इनकी तैराकी से प्रसन्न आ गए और इन्होंने इनके मार्गदर्शन से इन्हें भोपाल में दो साल के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए चुना गया था जहाँ उन्होंने थिएटर नाटकों में रुचि विकसित की और इसके बाद वे मुंबई चले गए थे और मंच निर्देशन नाटक लेखन और अभिनय किया था उन्होंने 2006 में अपने नाटक पीले स्कूटर वाला आदमी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्क्रिप्ट पुरस्कार के लिए मेटा पुरस्कार जीता था और इन्होंने 2012 में अपनी पहली फिल्म हंसा का निर्देशन किया था जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑडियंस ओट और सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार मिला था 2013 में इन्हें फिल्म पोचे में सफल भूमिका मिली जहां उन्होंने एक राजनेता की भूमिका निभाई और काफ़ी फेमस हुए थे इनकी कमाई की बात करें तो ये लगभग एक से पाँच मिलियन और नेटवर्थ तीस मिलियन है जो भारतीय मुद्रा में लगभग इक्कीस करोड़ रुपये है मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी को डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर जी ने तो सुभाष कपूर एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पठक कथा लेखक हैं वो एक राजनीतिक पत्रकार और बाद में चरण गए ओबामा 2010 और जाली एल एल वी और जाली एल एल बेटू दो जैसे व्यंग्य हास्य नाटकों को निर्देशित करने के लिए जाने जाते हैं तो हिंदी साहित्य में अपनी एम ए की डिग्री पूरी करने के बाद कपूर ने 1990 के दशक में उत्तर भारत में कावर करते हुए दिल्ली में एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था इसके बाद जब उसकी लघु फिल्म ने उन्हें 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यावसायिक लघु फिल्में वृत्तवर्ती और विज्ञापन फिल्में उन्होंने 2001 में प्रशंसा दिलाई तो उन्होंने व्यवसायिक लघु फिल्में वृत्तबत्ती और विज्ञापन फिल्में बनाना शुरू कर दिया था और 2006 में मुंबई में आधार स्थानांतरित कर लिया था और 2007 में कपूर ने सय सलाम इंडिया के साथ अपनी फीचर फिल्म निर्देशन की शुरुआत की और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी और दो में उन्होंने अपने दूसरे उद्यम एक व्यंग फंस गए रे ओबामा का निर्देशन किया था जिसमें कई कॉमेडियन शामिल थे फिल्म भारत में एक अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही और आलोचकों की प्रशंसा के साथ साथ व्यावसायिक सफलता की भी प्राप्ति की थी फिल्म की आश्चर्यजनक सफलता के कारण कपूर ने अपना अगला प्रोजेक्ट लिखना शुरू किया था और 2013 में कपूर ने जाली एलएलबी रिलीज की और जिसमें अरशद वारसी अमृता राव और बोमन ईरानी थे यह एक कार्मिक टच के साथ एक कोर्ट रूम ड्रामा है फिल्म 15 मार्च 2013 में रिलीज हुई थी वो जाली एलएलबी के सीक्वल जाली एलएलबी 2 के लेखक निर्देशक भी हैं जिसमें अक्षय कुमार हुमा कुरैसी अन्नू कपूर सौरभ शुक्ला ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं और 2010 हजार फरवरी और 2017 को जबरदस्त आलोचनात्मक प्रशंसाएं और बॉक्स ऑफिस नंबरों के साथ रिलीज हुई थी यह दुनिया भर में कुल बॉक्स ऑफिस की कमाई 200 करोड़ रुपए से अधिक थी तमाम विवादों के बीच निर्देशक सुभाष कपूर की फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर कोरोना काल में आज थिएटर में रिलीज हुई माना जा रहा है कि फिल्म रिचा चड्ढा का रोल बसपा नेता मायावती से मिलता जुलता रहा है हालांकि फिल्म की शुरुआत में ही एक बड़ा सा डिस्क्लेमर दिया गया था यह फिल्म की कहानी घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे सुभाष कपूर दलित महिला लीडर के निजी और राजनीतिक जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं और ऐश्वर्य के दर्शन में कामयाब रहे हैं उनके सीधे साधे हुए निर्देशन में ऋचा चड्ढा का लाजवाब अभिनय ने सोने पर सुहागा वाला काम करती हैं कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के उन्नीस के उस दौर से जहां दलित दूल्हे की बारात में ठाकुरों का परिवार महज इसीलिए गोलाबारी कर देता था कि क्योंकि दलित ने ठाकुरों की मौजूदगी में गाजे बाजे के साथ घोड़ी पर चढ़ने का ऐसा दुस्साहस किया था जिसका सर्वाधिकार ठाकुर अपने लिए मानते हैं गोलाबारी में बीच बचाव करते हुए रूप मारा गया था और उसी वक्त उसके घर एक बेटी पैदा होती है बेटी की माँ अपनी सास से मिनतें करती है कि वो उसकी इस बच्ची को पिछली बेटियों की तरह जहर चटाकर न मारे फिल्म का दूसरा सीन 2005 का है जहां वो बच्ची तारा यानी कि रिचा चड्डा बेबा को निडर और पढ़ी लिखी टाम बायस लड़की के रूप में जवान हो चुकी है तो ऊंची जात के युवा नेता इंदु त्रिपाठी यानी कि अच्छे ओबराय से प्रेम करती है वो इंदु से शादी करने के सपने देखती है मगर तभी उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है जाना माना दलित नेता मास्टर जी सौरभ शुक्ला उसे तूफान से बचाकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर लेता है इसके बाद सीएम बनने तक का सफर शुरू होता है इस सफर में जातिवाद विश्वासघात षडयंत्रों से भरा राजनीति का घिनौना चेहरा सामने आता है निर्देशक सुभाष कपूर निर्देशन कसा हुआ है, चरित्रों को कहानी और विषय के अनुरूप गढ़ने में सफल रही फिल्म का स्क्रीन प्ले परिवेश को मजबूती प्रदान करता है वे अपनी कहानी में लिंग जातिवाद सत्ता की भूख जैसे कई मुद्दों को उजागर करते हैं मध्यांतर तक फिल्म परत दर परत थ्रिलर अंदाज में चौंकाती है मगर सेकंड हाफ में कहानी थोड़ी कमजोर पड़ जाती है सेकंड हाफ में राजनीतिक दांव पेच के बजाय तारा के व्यक्तिगत जीवन का पर फोकस किया जाता है क्लाइमेक्स दमदार है फिल्म के संवाद चुटकुले हैं और यूपी में जो मेट्रो बनाता है वो हारता है और जो मंदिर बनाता है वो जीतता है मैं कुमारी हूँ तेज कटारी हूँ लेकिन तुम्हारी हूँ जैसे कई डायलॉग याद आ जाते हैं जैस नायर की सिनेमोटोग्राफिक कहानी को विश्वसनीय बनाती है और बैकग्राउंड म्यूजिक दमदार है शुक्र में फिल्म में बेवजह गाने नहीं ठूसे गई हैं मंगेश धाकड़े के संगीत में स्वानंद किरकिरे का गाया गया गाना चिड़ी चिड़ी कहानी के अनुरूप है इस क्रूर राजनीतिक ड्रामा को दर्शाया और बनाया गया है ऋचा चड्ढा का दमदार अभिनय अगर ये कहा जाए कि यह ऋचा के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है तो गलत ना होगा फिल्म की शुरुआत में उनके बायकॉट बालों वाला लुक थोड़ी उलझन पैदा करता है मगर कुछ ही मिनटों के बाद किरदार में इस लुक को घनंद मिल जाती है कि दर्शक उस लुक को भूल उनकी कॉन्टेस्ट को धोखा खा जाती हैं और दलित लड़की का सी के रूप में ट्रांसफेंशन गजब का है ऋचा ही नहीं तमाम कलाकारों का अभिनय फिल्म का सारा सख्त पहलू है और मास्टर जी के रूप में सौरभ शुक्ला दिल जीत लेते हैं इनके और ऋचा के बीच एक दृश्य फिल्म के हाईलाइट बन पड़े हैं हिंदू के इंदु त्रिपाठी के रूप में अक्षय ओबराय और दानिश खान के रोल में मानो कौल ने सशक्त उपस्थिति दर्शाई है और सत्ता नेता के किरदार में सुब्रा ज्योति जमे हैं सहयोगी कास्ट परफेक्ट हैं और इस फिल्म में इस खूबसूरत गाने चिड़ी चिड़ी के रिलैक्स मैसूर गीतकार दुष्यंत ने लिखे हैं क्यों देखें पॉलिटिक ड्रामा के शौकीन और कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस के लिए फिल्म देखी जा सकती है और आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं तो इसके लिए कागज की जरूरत होती है इन कागजों के बिना आपका कोई काम नहीं होता लेकिन अगर इन कागजों में आपको मृत घोषित कर दिया जाए तो आप जीते जी कोई भी काम नहीं कर सकते इस एक सरकारी आवाज की असीमियत बताने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म कागज फिल्म लाल बिहारी मृतक नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जिन्होंने 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद खुद को जीवित साबित कर दिया था यूपी के खलीलाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला भारत लाल पंकज त्रिपाठी एक वर्ण मास्टर है जो अपनी पत्नी रुकमणी एम मोनल गज्जर और बच्चों के साथ सुख से रह रहा है भारत लाल की पत्नी रुकमणी अपने अपना काम और अब बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए सलाह लेती है जब भारत लाल बैंक जाता है तो लोन के बदले उसे गिरोह रखने के लिए जमीन के कागजात मांगे जाते हैं भारत लाल अपनी जमीन के कागजात लेने जाता है यह तो जानकर हैरान रह जाता है कि कागजों के मुताबिक वो मर चुका है और उसकी जमीन उसके चाचा बेटों को बांट दी गई है इसके बाद शुरू होता है भारत का लंबा संघर्ष जिसमें वो लेखपाल से लेकर प्रधानमंत्री और कोर्ट के चक्कर काटता है भारत लाल की मदद के लिए आगे आते हैं साधु केवट वकील सतीश कौशुक जो अंत की उम्मीद मदद करती हैं और भारत लाल अपने नाम के आगे मृतक लगा लेता है और उसके साथ पूरे प्रदेश के ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिन्होंने कागजों में मृत घोषित कर दिया है इस लंबे संघर्ष के बाद भारत लाल का काम धंधा बंद हो जाता है और परिवार साथ छोड़ देता है लेकिन भारत लाल हार नहीं मानता 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद भारत लाल कैसे का कागजों में खुद को जीवित करता है और इसी संघर्ष की कहानी है कागज फिल्म का रिव्यू में गांव के सरपंच में एक डायलॉग बोलता है कि इस देश में राज्यपाल से भी बड़ा लेखपाल होता है इसके लिखे कोई नहीं मिटा सकता ये आज भी हमारी व्यवस्था की सच्चाई है देश भर में गांव देहातों में आज भी भारत लाल जैसे जिंदा मरे हुए हैं जो लोग घूम रहे हैं लोग पूरी ज़िंदगी अदालतों के चक्कर काटते हैं लेकिन कभी खुद को जीवित साबित नहीं कर पाते हैं कागजों में मरने के बाद वास्तव में मर जाते हैं डायरेक्टर सतीश कौशिक फिल्म को बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में शुरू करते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ ये फिल्म बेहद सीरियस होती जाती है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है तो आप भारत लाल की पीड़ा और जीत को गहराई से समझने लगती है फिल्म संघर्ष के जज्बे की पॉजिटिव संदेश भी देती है हालांकि फिल्म कभी भी बहुत धीमी लगने लगती है लेकिन भरत लाल ने नए हथकंडे के लिए तो फ्रेंड्स इस फिल्म को रिलीज किया गया था 22 20 जनवरी 2021 को देश भारत भाषा हिंदी और अंग्रेजी अगर हम इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 0.5 मिलियन तो फ्रेंड्स बिना देरी किए हुए इस फिल्म की कहानी को स्टार्ट करते हैं तो इस फिल्म में मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी बताती हैं जो एक निचली जाति की युवती हैं जो अपने समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती हैं और वो एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती हैं और रैंकों के माध्यम से अपना काम करती हैं अंततः एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती हैं और अपनी बुद्धिमता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से भेदभाव और ग्रह का सामना करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता के लिए एक बाधा के रूप में देखती हैं और चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती हैं और जब वो अवसर आता है तो वो इसे दोनों हाथों से लपक लेती हैं और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी होती हैं और जीत जाती हैं राज्य के इतिहास में सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती हैं हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई इसकी चुनौती के बिना नहीं है और वो उसे अपनी पार्टी के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना करना पड़ता है व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उनके प्रेमी के साथ उनका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य है और फिल्म भारतीय राजनीति की जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है जिसमें जाति का व्यापक प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं जो अक्सर राजनीतिक जीवन की एक विशेषता है यह सत्ता के पदों पर महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करती है जिन्हें पुरुष प्रधान दुनिया को निगेटिव करना चाहिए और पूर्वग्रहों और भेदभाव को दूर करना चाहिए तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कि इस फिल्म में किसने कौन सा रोल प्ले किया है तो उनके बारे में तो मुख्यमंत्री तारा स्वरूप राम के रूप में चट, रिचा चड्ढा दानिश की पत्नी और इंद्रमणि की पूर्व प्रेमिका हैं। दानिश रहमान खान के रूप में मानो कौल और तारा के पति और शशि के मंगेतर हैं। इंद्रमणि इंद्र त्रिपाठी के रूप में